अरे बाप रे, देख लिया। वाह 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 वाह, साड़ी ने तो फाड़ दिया भाई। हाँ बिल्कुल, फट गई क्या? कहाँ कहाँ? पागल कहीं की, फाड़ दिया मतलब एकदम लाजवाब लग रही हो। थैंक यू। वैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पगली कहीं की? इसका मतलब होती है सुंदर लड़की। थैंक यू, तुमने भी तो फाड़ दिया पगले कहीं के। ठीक है चलो चलते हैं। लिपस्टिक का शेड तो बढ़िया है। मुझे हाँ, वही तो। आज शाम को हैदराबाद के लिए निकल रहा हूँ। हाँ मॉर्निंग तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है बाय। गाजर का हलवा बनाओ बनाओ रोज कहते हो, जब बनाती हूँ तब टीवी के सामने बैठकर बेकार के प्रोग्राम देखते हो, थोड़ी सी हेल्प भी नहीं करते हो मेरी। क्या बड़बड़ा रही हो, अब मैं रिटायर हो गया हूँ ना। हमें नहीं मिलेगा क्या रिटायरमेंट? तुम्हें क्यों चाहिए? तुम्हें क्यों चाहिए? नौकरी तो मैंने की है ना। आपकी सारी जरूरतों को पूरा किया है मैंने। आजकल के बुड्ढे बुढ़िया भी ना कमाल करते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। तुमने ही तो बच्चों के लिए जिद की थी, तभी तो मैंने तुम्हें बच्चा दिया। और उसमें मेरा भी शेयर था। अरे शेयर तो मैंने भी किया था, मैंने भी तो जिम्मेदारी उठाई। स्कूल का टिफिन बनाया, होमवर्क भी कराया मैंने। लाखों खर्च करके उनकी शादी करके उनको ससुराल मैंने भेजा। बिना खर्चे के शादी की सारी तैयारी की थी मैंने, हर चीज में मैंने हेल्प किया था। लेकिन आपने कभी मेरी हेल्प की है क्या? शर्म नहीं आती है तुम्हें? हर चीज में टांग अड़ाती रहती हो, घर में ठीक से खाना नहीं बना पाती। मेरे हाथ का बनाया खाना खाकर ही आपने अपनी ये बॉडी बनाई है। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मेरी ये हालत हो गई, क्या बोलूं? आप नहीं सोचोगे ये फूल कहाँ से आ गए हैं? ये फूल कहाँ से गिर रहे हैं? अब तो खुश हो ना। सुनिए ना, ये फूल पूजा के काम आएंगे। ए बच्चों ये सब क्या है? शेयरिंग। इट्स केयरिंग। हाँ जी, शेयरिंग इज केयरिंग। दादाजी रात में मोगरे का फूल लेकर जाना। ठीक है ले जाऊंगा। ये लोग मोगरे का फूल लेकर जाने के लिए कह रहे हैं। चलो बेकार लोगों के साथ घंटों घंटों चैटिंग करने वाला गूगल लफंगा, बदबूदार कपड़ों पर सेंट मारकर फिल्म देखने जाने वाला व्हाट्सएप लफंगा, ट्विटर लफंगा, फेसबुक लफंगा, टिकटॉक लफंगा। बाप रे बहुत बढ़ गए हैं लफंगे, ऐसा डांटूंगा तो मेरा बेटा आउट। बढ़ गए हैं लफंगे, बच के करना तू धंधे। क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस। किस लिए? अरे बताता हूँ लाडली, तुम्हारे भैया के लिए है। मुंह फेर कर क्यों जा रही हो? भूत की तरह ऐसे देखने के बजाय वो भिंडी काट सकती है ना। मुझे डांट नहीं सकती, इसलिए बेटी को डांट कर कवर कर रही हो। शादी से पहले मैं मैनेजर हूँ, ऐसा झूठ आपने कहा था। मैंने नहीं समझे, मैनेजर मैनेजर कह रहे थे तो सोचा पता नहीं कौन से बैंक में मैनेजर है। शादी के बाद पता चला मुझे कि बूढ़ों के नरक के मैनेजर हो। बूढ़ों का नरक नहीं माँ, ओल्ड एज होम। हाँ हाँ जो कुछ भी हो। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब कहते थे कि लड़की होनी चाहिए लड़की होनी चाहिए, तो मुझे लगा कि मेरे पति को तो लड़की बहुत पसंद है। बाद में पता चला कि जो बेटे अपने बूढ़े माता पिता को ओल्ड एज होम में लाकर छोड़ते हैं उनके प्रति जो गुस्सा है, इसीलिए इनको लड़का नहीं चाहिए था। और जब खुद का बेटा पैदा हुआ तो दूसरे बेटों का गुस्सा मेरे बेटे पर उतारते हो। पापा पहले से ऐसे ही है क्या? और नहीं तो क्या, जब वो पैदा हुआ तो रो रहा था और ये डांटने लग गए, और तभी वो हंस पड़ा। टेंथ में फर्स्ट नहीं आने पर भी डांटने की सोचा था ना? हाँ, पर वो तो पूरे स्कूल में फर्स्ट आया था। इंटर कॉलेज में फर्स्ट नहीं आएगा तो डांटने का सोचा था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया था, पता है ना। अब बस करो अपने बेटे की बायोग्राफी। बहुत झूठ बोल लिया, किसी न किसी बहाने से उसे डांटना ही आपकी जिंदगी का लक्ष्य बन गया है। बस अब तुम कुछ भी कर लो वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। पकड़ा गया। बेटी बैंक का क्लोजिंग टाइम क्या है? 6 बजे। यस, कल मैंने उसको 5:55 को बैंक में डिपॉजिट करने के लिए अपने हाथों से कुछ पैसे दिए थे। 5 मिनट में वो कैसे डिपॉजिट कर सकता है? माँ
10 मिनट पहले लॉर्ड साहब कहाँ थे पता है? सिनेमा हॉल में सिनेमा देख रहे थे। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर पैसे भरने का कैश रिसीट उसने मुझे नहीं दिखाया तो उसके साथ मैं कबड्डी खेलूंगा। कबड्डी 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 कबड्डी। ये क्या है? क्या चाहिए आपको? जो पैसे भरा है उसका बैंक रिसीट चाहिए। ये वही है, पढ़ना आता है तो पढ़िए, नहीं तो मुझे 100 रुपए दीजिए, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। लगता है प्लग में उंगली डाल दी है। पापा पैसे बैंक में ही नहीं एटीएम मशीन में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। थोड़ा अपडेट हो जाइए। यस। क्यों? ये जब उल्टी पैदा हुई थी तो मैंने सोचा था ये फ्यूचर में मेरा ख्याल रखेगी। अगर ऐसी बात है तो आपको ओल्ड एज होम में डाल दूंगी। बाप रे। सही कह रही है। ए, अपने भाई को फोन करके क्या कि 1 किलो मटन लेकर आ, बिरयानी बना। अरे लेकिन मटन मैं नहीं खाता हूँ। अरे पापा इसीलिए तो लाने को कहा है। कबड्डी 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 खेले क्या? कबड्डी अरे हट जाओ। हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता ही है, जरा लॉजिकली सोचो। या फिर अपने पसंद की मौत मर जाओ। हाँ लेकिन तुम्हारी मौत की वजह से कोई और ना फंसे, ऐसा कोई तरीका निकालो। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट सुसाइड अटेम्प्ट। बाय। मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे हैरेस कर रहा है। मुझे मुझे उसके साथ सोना हो गया। मुझे वो अनफिट बताकर पिंक स्लिप देकर जॉब से निकाल देगा। आज अगर मैं उसके रिसॉर्ट नहीं गई तो कल से ऑफिस आने के लिए मना किया है। ये सब मेरे पेरेंट्स को पता चला तो मुझे जॉब ही नहीं करने देंगे। पर ये प्रॉब्लम तो कॉमन है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। करो, कॉल करो सुपरवाइजर को। टेल हिम टू कम हियर एंड पिक यू अप। एम्प्लॉय कोई जानवर लगता है क्या जो पसंद आ गया तो उसके साथ मेट करने के लिए? फोन करो। Wow! At last you have taken a wonderful decision. Come on, चलो मजा करते हैं। Hey, क्या हो गया? Hey, उधर क्या देख रही हो? चलो चलते हैं। Come on. तेरे साथ सोना पड़ेगा। तू मुझे पिंक स्लिप देगा? तूने लड़कियों को समझ क्या रखा है? बाप रे, अचानक किसको क्या हो गया? किसी ने देखा तो नहीं ना? हे, जब आप स्ट्रांग रहते हो ना तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बी ब्रेव एंड बी स्ट्रांग। थैंक यू। या, दैट्स ओके। लॉर्ड साहब हैदराबाद ही जा रहे हैं ना? हाँ पापा। एंजॉय करने के लिए यही लास्ट ईयर है, जाओ। जाते ही एक लड़की को ढूंढ लेना, उसके पीछे पड़ना, आगे पीछे घूमना, उसे पटा लेना। हाँ? सिनेमा, शिकार, पार्क या पब, हर जगह घूमना। पढ़ाई का नुकसान हो तो भी कोई बात नहीं है, पैसों की चिंता मत करना। अरे पैसा देने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ, बस एक फोन करना और मांग लेना, मेरी पूरी जिंदगी गिरवी रख दूंगा तुम्हारे लिए। ये बम्पर ऑफर हमारे लिए भी है क्या पापा? अरे इस बच्ची की जुबान काफी चलती है, इतनी छोटी होकर मेरी बात नहीं मान रही। जरा बड़ी हो जाओ फिर दिखाता हूँ। बीच में मूंगफली बेचने वाले से शादी करवाऊंगा, फिर मरते दम तक नहीं छोड़ेगी मुझे। ओल्ड एज में फेंकेगी हमें, निगरानी के लिए उसी को रखूंगा। लेकिन बेटे के बारे में जो बोला है वो होकर रहेगा, और जब होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं ही सही था। मेरी वजह से आपको सर झुकाने की नौबत कभी नहीं आने का मौका। वाह क्या दिखता है ये! इस बार भी राव ही जीतेगा। बिल्कुल यार। हाँ मैडम। ऐसी बात है क्या? फर्स्ट डे ही बिना नहाए आ गई? इस कमीने को कैसे पता चल गया? ऐसी बात नहीं है सर, इससे पंगा मत लेना, स्मेल सुनकर सारा सीक्रेट बता देता है। वैसे इस बॉक्स में क्या है बताइए सर? बैंगन इतना पसंद है क्या? बॉक्स में बैंगन है क्या? बॉक्स में बैंगन ही नहीं है यार, लौकी की भी सब्जी है। ऐसा क्या? बैंगन के साथ लौकी भी है। सही कहा सर, पुलिस के डॉग्स की तरह बिल्कुल सही सुना।
उसको हाँ उसे उसे ही क्यों सर? क्योंकि वो हमारा दोस्त है। चलो 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 इस बार मैंने तुझे हरा दिया ना। गिरा ना तू तो हार नहीं वाला है। बहुत बढ़िया इतना पड़ेगा, इसको तो देख लूंगा। इस बार भी अगर मैं हार गया तो जिंदगी भर परेशान रहूंगा मैं। यस मैं ही हूँ विनर। यस देख लिया ना जीतने की खुशी मना रहा है तू? कितना बड़ा बेवकूफ है, उसने जिताया इसीलिए तू जीता। जरा उसको तो देख, वो हार गया फिर भी उसके साथ इतने लोग हैं। तू तो जीत गया है ना, फिर भी तेरे साथ तेरा चमचा ही है। पूरे कॉलेज को ये बात समझ में आ रही है, तुझे नहीं आ रही? मंद बुद्धि कहीं का तू? अरे बाप रे, क्यों ब्रो बॉल मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रही है? हाँ जरा उसको बॉल दे। ये बॉल कैसे रिस्पेक्ट देगी इसको, पागल है क्या ये? अरे जरा धीरे बात करना। हाँ ये क्या प्लान कर रहे हैं? एक तो सीनियरों का सीनियर सुपर सीनियर है, अगर उसने सुन लिया तो पनिशमेंट, पनिशमेंट के नाम पर 10 बिरयानी मांगेगा। तो रुक जा, बॉल मैं डालता हूँ। बाप रे ऐसे भाग कर आ रहा है। शाबाश, इसे रेस्पेक्ट कहते हैं। जरा उसको समझा दे। नेट प्रैक्टिस में तो तू बहुत मस्त मार रहा है भाई। थैंक्स यार रमेश, कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ग्राउंड में फर्स्ट बॉल पे ही तेरी बॉल फट जाती है बेटा। क्या बोल रहा है बे? नहीं यार, बेल सुट जाती है ऐसा कह रहा हूँ। अबे शर्म नहीं आती तुझे? मेरे साथ तूने कॉलेज ज्वाइन किया था, मुझे देख, बीटेक, एमटेक, पीएचडी भी कंप्लीट कर ली मैंने, और इसी कॉलेज में 5 सालों से लेक्चरर हूँ मैं। अबे तू कब पास होगा बे? अबे रमेश यार, तू पैसों के पीछे पागल है इसीलिए तूने एक बार में ही डिग्री लेकर नौकरी कर ली, और पैसों के पीछे पागल है इसीलिए नौकरी के पीछे भागते रहता है। लेकिन मैं पढ़ाई के पीछे पागल हूँ इसीलिए हिम्मत से पढ़ाई कर रहा हूँ। तुझे कोई तकलीफ है क्या भाई? करेक्ट बोला तूने बेटा, पढ़ाई खा के तुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है, इसलिए अपना पेट देख कितना बढ़ गया है। बस थोड़े दिन और रुक जा बेटा, बूढ़ों के पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा तू। समझ गया मेरी बात? तेरी तो नालायक, कब से बड़बड़ किया जा रहा है तू। कॉलेज के पिलर जैसा है, क्यों इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है यार? कोई प्रॉब्लम है क्या सुपर सीनियर? ये बेकार की सीनियरिटी ही प्रॉब्लम है। मैं MBA की डिग्री लेकर किसी 7-स्टार होटल का मैनेजमेंट या फिर IAS की तैयारी करना चाहता था। मेरे बाप ने इंजीनियरिंग कर ले कहकर इस कॉलेज में डाल दिया। लेक्चर समझ में नहीं आता है, दिमाग खराब होता है मेरा। वो एलजेब्रा पता है क्या, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। मेरे कॉलेज के लड़के बैच पर बैच उपमा खाने की तरह आराम से निकालते जा रहे हैं। ये बेकार की इंजीनियरिंग शनि की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है यार। मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। क्या कहा? बड़े साहब के खिलाफ जाने की सोच रहा है नागुलप्पा? अगर वो नहीं होता तो मेरी जिंदगी ही नहीं होती। अभी जो हम सांस ले रहे हैं उसकी वजह वो बड़े साहब ही हैं। उन्होंने हमारे लिए अपनी शादी तक नहीं की। अमीर घराने में पैदा होने के बाद भी हमारे साथ रहने के लिए उन्होंने अपनी जात दरकिनार कर दी। इतने महान है वो। तो सब कुछ बंद करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? बैठना पड़ेगा, बड़े साहब पर्वत की तरह है, अगर उनसे टकराएगा तो तुझे ढूंढने में हमें काफी साल लग जाएंगे। मत कर।
फिर भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी वजह से मेरी राजनीति मिट्टी में मिल गई। उसने मेरी जमीन मेरी बेटी के नाम पर लिखकर उसको मेरी नजरों से दूर कर दिया। नहीं छोड़ूंगा। बाल भी बांका नहीं कर सकता तू। उनके खिलाफ जाने के लिए हम ही नहीं, तेरा बाप भी तेरा साथ नहीं देगा। अरे बड़े साहब ने सबका इतना भला किया है और तूने इलेक्शन में जीतने के लिए वोट की सहानुभूति के लिए अपनी बीवी तक को मार दिया। तू जैसा इंसान अगर राजनीति में रहेगा तो पूरे गांव को गंदा कर देगा। तेरी परछाई तेरी बेटी पे ना पड़े इसलिए वो उसे तेरी नजरों से दूर रख के पढ़ा रहे हैं। ए बड़े साहब हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, भगवान ही है। अगर उनकी खिलाफत करने की कोशिश करेगा तो मैं सोच लूंगा कि मेरा कोई बेटा नहीं था। बड़े साहब जब तक हैं मैं राजनीति नहीं कर सकता। मेरी बेटी के नाम पर की गई जायदाद मुझे वापस नहीं मिल सकती। टपका दें क्या? किसे? बड़े साहब को। इतना बड़ा कलेजा किसका है? एक है। ये क्या बस है यार, इतना एक्सीलेटर दबाने के बाद भी भाग नहीं रही है। इस बस में तो देखो सीट कितनी छोटी। बस सीट तो उतनी ही होती है, हमें अपनी सीट को कम करना चाहिए। सॉरी आंटी। अरे भाई ठीक से बैठो ना। ऐसे क्या देख रहा है? अरे लगता है मैंने उस लड़की को कहीं देखा है। बस मैं फेस ही नहीं दिख रहा तो फिर बैक में तुझे क्या दिखाई दिया? इसे कुछ दिखाई दिया होगा यार, जाने दे। हे भगवान अल्लाह जीसस, इस बस को मैं बम से उड़ा दूंगा। अरे मेरा कागज नहीं है, वो लड़की लिख कर गई है। ड्राइवर बस रोको ना। अरे रुक भाई, इतनी देर के बाद तो इसका मूड बना है और तू रुकने की बात कर रहा है। डर गया? जाने दे। अरे उसने बोला बम रखकर उड़ा दूंगी, इसका मतलब टेररिस्ट हो गया यार, रेके के लिए आई होगी। तूने जो कहा अगर वो सही हुआ तो जल्दी ही इस शहर की सारी बसें ब्लास्ट हो जाएंगी। अच्छा बस को उड़ाने वाले हो, कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? इसका ओ पॉजिटिव है और मेरा बी पॉजिटिव है। मेरा ए नेगेटिव, रेयर ग्रुप सर। ब्लड बैंक में कई बार डोनेट भी किया सर मैंने। मैंने तुम लोगों से ब्लड ग्रुप पूछा है क्या? हाँ सर, ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर है और ये मैकेनिकल इंजीनियर है और मैं कंप्यूटर्स। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अलकायदा से हो, इंडियन मुजाहिदीन से हो, या अलकायदा से हो, ICS से हो, या फिर सिमी से हो? सब मार्केट में आए हुए नए सिम कार्ड है सर। अरे सिम कार्ड नहीं है, टेररिस्ट ग्रुप है। टेररिस्ट हम नहीं, वो लड़की है सर। लड़की? तुम्हारे ग्रुप में फीमेल टेररिस्ट भी है? साथ नहीं सर, वो बस में। 6 महीने से तुम ही लोगों को ढूंढ रहा था, इतने दिनों बाद हाथ लगे हो। चलो जल्दी स्टेशन। फायर स्टेशन क्या सर? शट अप, पुलिस स्टेशन। सर ये 2000 का नोट आ गया ना सर? अरे क्यों ले रहे हो तुम लोग, कहाँ गए? 2000 से फुल बोतल पीने की सोचा था। आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच। ये लड़कियाँ टक्कर मारने के लिए पैदा हुई हैं क्या? उसी लड़की की तरह लग रही है। और क्या? अरे काफी दिनों से नहीं खाया। अच्छा ठीक है चल, तेरी मर्जी। ठीक है ऑर्डर कर। काफी भी ठीक है। मम्मी, अरे अरे क्या हुआ? चिट्टे चेन ली। अरे छोटे बच्चे की चिट्ठी मेरी है। अरे मारूंगा तुझे मैं। चिट्ठी मेरी है, मैं कह रहा हूँ ना, छोड़िए मुझे, छोड़िए। अरे एक मिनट रुकिए तो। अरे बाप रे, आंटी को देख कैसे अपने भाई से चिपक रही है, चिट्ठी के बहाने अपने भाई को बाहों में ले रही है। 2 मिनट मैं पढ़ के दे दूंगा आपको। अरे छोड़ो तुझे, छोड़ो। ये क्या कर रही है तू? अरे मेरी वाइफ है कि उसकी वाइफ है, उसको चिपक कर फेरे क्यों ले रही थी? तेरी तो चल चल चल, तेरी तो हम ऐसे होते हैं, बदमाश कहीं का। हे भगवान अल्लाह जीसस, उस डायरेक्टर के ब्रेन में बुलेट घुसानी है। बुलेट्स? लगता है लड़की थोड़ी डिस्टर्ब है। बुलेट्स किस लिए? फिल्म तो अच्छी थी प्रिया, वो दोनों तो बाइक लेकर आने के लिए सर्विस सेंटर गए हैं। हाँ क्या? अच्छा अब प्लीज जरा साइड में रुकना, मुझे उतरना है। या थैंक यू सो मच प्रिया, आई विल कॉल यू बैक। आई हेट दिस वर्ल्ड, गुड बाय। शिट कहां गई वो? ए ए रुक जा।
हेलो, मुझे खींचा क्यों? वो तो सुसाइड करने जा रही थी इसलिए। व्हाट? सुसाइड? और मैं? इतनी सुंदर लड़की सुसाइड करेगी क्या? सुंदर हूँ इसलिए टच करके झूठ बोल रहा है क्या? आखिर तुमने मुझे टच क्यों किया? हेलो हेलो, क्या है ये? क्या कह रही हो? वो समझ में आ रहा है तो उसको कवर करने की कोशिश कर रही हो? बात वो नहीं है। तो क्या बात है? ब्रेन में बुलेट्स उतारोगी क्या? बस में बम लगा के उड़ा दोगी? वो बेकार सी बस को परमिशन देने वाले आरटीओ को बम से उड़ा दूं ऐसा लगा मुझे। वो नहीं है ना, इसीलिए उस बस को जिसने परमिशन दिया है उसको उड़ा देना चाहिए। और आईमैक्स में मैंने वो स्लिप क्यों रखा पता है? वो सिनेमा डायरेक्टर है ना, इतनी देर से क्लेवेज ना भी, क्लेवेज ना भी। आखिरकार उसने हम लड़कियों को समझ क्या रखा है? ओहो, तो इसलिए तुम उसके ब्रेन में बुलेट उतारना चाहती थी? ब्रिलियंट बॉय। तो फिर तुम मरना क्यों चाहती थी? इतनी फालतू फिल्म देखने की वजह से। फिल्म तो अच्छी थी ना? अच्छी थी क्या? अच्छी थी क्या? वो बेकार फिल्म तुम्हें पसंद आई? तुम जैसे लोगों की वजह से ये बेकार फिल्में हिट हो जाती हैं। लड़कियों का रेप हो रहा है, बच्चे भी रेप कर रहे हैं, तुमने कितनों का किया? क्या बात कर रही हो तुम? मैं तुमको बचाने के लिए आया था, मेरी मति मारी गई थी। लगता है हर्ट हो गया, सॉरी कहना चाहिए ना। ए प्रभास, महेश बाबू, पवन कल्याण, ए सुबराव, एलराव, पुलराव, रामराव। अगस्त में आषाढ़ का सेल, हर ब्रांड पर भारी छूट। अगस्त में आषाढ़ का सेल, अगस्त में आषाढ़ का बिग ग्रेस्ट सेल। ए अगस्त, अगस्त नाम है, वैरायटी है। वन मिनट। अरे बाप रे, ये तो वापस आ गई। गाली दे रहे हो क्या? हाँ, गालियां दे रहा हूँ। गाली दे रहे हो? कैसे मर्द हो तुम? खूबसूरत लड़की को गाली दे रहे हो? पसंद नहीं आया मुझे। अरे ये फिर से शुरू हो गई? तुम्हारा तरीका बहुत गलत है। क्या लड़की? ए, खूबसूरत लड़की को गाली देने वाले मर्द, आई लाइक योर फ्रैंकनेस। वो लड़की इतनी डिफिकल्ट कैसे हो सकती है? लड़कियाँ टिपिकल ही होती हैं यार। अगर हम पास जाते हैं तो दूर जाती हैं, हम दूर जाते हैं तो वो पास आती हैं, हम पकड़ना चाहें तो पीछा छुड़ाती हैं, पीछा छुड़ाएं तो पकड़ना चाहती हैं। वो ऐसा ही है तो, अगर हम रोते हैं तो वो हंसती है, अगर हम हंसते हैं तो वो रोती है। नीचे कहोगे तो ऊपर कहेगी, ऊपर कहोगे तो नीचे कहती है, पीछे कहो तो आगे कहती है, आगे कहो तो पीछे कहती है। ये सब समझने के लिए अनुभव चाहिए। वैसे मुझे भी इतना अनुभव नहीं है। क्या लड़की है यार? ये तो वही है। अरे बाप रे, ये इधर ही आ रही है। हाय, ए लाइट लो। कल तुम परेशान थे ये देखकर मैंने एक्टिंग किया था। एक्टिंग? सुना तुमने हमारे दोस्त के साथ खेल खेला है? फ्रेंड्स। ओह, फ्रेंड्स है या लव ट्रैक, ऐसा कुछ है? छी छी, इन बेवकूफों के साथ। हट यार, तुम हाथ रखो, कोई बात नहीं। तुम यहाँ कैसे? कॉलेज आई हूँ। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा? जब अभी आई हूँ तो पहले कैसे देखोगे? इससे पहले कहाँ पढ़ रही थी? 2 years वाइजैक में पढ़ाई करने के बाद मेरे पेरेंट्स ने सडनली यहाँ ट्रांसफर करवा लिया। सो वी आर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो फिर फोन नंबर दीजिए। फोन नंबर? नंबर क्यों चाहिए? हे भगवान, अल्लाह जीजस, इनको थोड़ा दिमाग दो। सपोज मैं स्कूटी से आ रही हूँ, तुम ट्रैफिक कांस्टेबल हो। कांस्टेबल? मान लो ओहो तुमने मेरी स्कूटी रोकी, क्या मांगोगे? लाइसेंस। अच्छा, कम से कम PUC है या नहीं? तो 500 दे दो, CI को मैं मैनेज कर लूंगा। पर्स गायब। दोस्त को फोन लगाओ और पैसे मंगवा दो। इसीलिए मैंने फोन नंबर मांगा। अरे बाप रे, इसको नंबर दिया तो जेब ढीली हो जाएगी। हम वैसे भी सेलफोन का इस्तेमाल नहीं करते, रेडिएशन डेंजरस, मैटर काम नहीं करता है। मैटर इसका क्या मतलब है? अरे तू बता ना। मैटर मतलब ब्रेन। करेक्ट, मैंने भी सुना था सेलफोन पर ज्यादा देर बात करने पर ब्रेन काम नहीं करता। वही मैटर काम नहीं करता है। सेलफोन अवॉइड करके अच्छा काम कर रहे हो। अरे क्या था बात? देख ले पहले है कि नहीं। ये तो फंस गया। मुझसे दोस्ती करोगे? चलो अर्जेंट।
कहाँ पर? दोस्ती की है, नहीं आओगे? अरे रुको तो। चलो चलते हैं। ए, कहाँ जा रहा है? इसके और मेरे बीच में 100 सीक्रेट होंगे, सब बताना पड़ेगा क्या? डीन ने 12 बजे मिलने को कहा है। हाँ, आ रहा। मोशन हो रहा है, हॉस्पिटल चला गया है, बोल देना। सही कहा ना मैंने? दोस्त बन गए हैं ना, इसलिए मैं तुम्हें बहुत बड़ी पार्टी दे रही हूँ। कॉफी तुम क्यों बना रही हो? मेरे स्टॉल पर मैं नहीं बनाऊंगी तो तुम बनाओगे क्या? स्टॉल तुम्हारा है? हाँ, रोज कितना कमाती हूँ देखो तो। एक कॉफी दो। 100। 100? 200। टेस्ट बहुत बढ़िया होगा, ये लो। अरे एक ग्लास मुझे भी दे दो। एक कॉफी। 200। कॉफी दो ना। ए, मुझे भी तो सर, सब हो क्या रहा है? मुझे भी पिलाएंगी क्या? 200। पता नहीं यार। थैंक यू। टेस्ट बहुत अच्छा था, एक और देंगी क्या? इसकी तो ला इधर। चलिए रे, पी लेना, पी ना, चेस कर ले, लेना। बेचारा, मेरे लिए ही तो वो लोग आए थे। वैसे लड़कियों का झूठा तुम लड़कों को इतना पसंद क्यों है? टेस्टी होता है क्या? इतना टेस्टी होता है? बोलो, बोलो ना, बोलो ना। अगस्त। अगस्त? ये अगस्त कौन है? तुम्हारा नाम वही है ना? क्या मेरा नाम? उस दिन मैंने तुम्हें आवाज तो दी थी ना? उस दिन तो मैं कैजुअली मुड़ गया था। तो फिर तुम्हारा ओरिजिनल नेम क्या है? आत्माराम। और तुम्हारा नाम? कांतम्मा। कांतम्मा? तुम्हारा नाम जब आत्माराम है तो मेरा नाम कांतम्मा नहीं हो सकता क्या? बोलो जरा। हाँ हो सकता है, कांतम्मा। नाइस नेम, कांति, कांत, ऐसे भी बुला सकते हैं ना? तुम्हारा भी राज, आत्मा। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बस हो गया, थैंक यू। हाय दीदी। हे, हाय राम। आज वो दोबारा फंस गए क्या? 1000 तुम्हारे 200 ओनर के लिए, ऐश करो, जाओ। थैंक्स दीदी। बच्चों से काम करवाने वाला डैश, ये डैश क्या होता है? डैश, तुम गालियां देने में एक्सपर्ट हो ना, जो गाली तुम्हें पसंद है वो लिख लो। पार्टी तुमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है ना? बहुत। गुड बॉय। गुड बॉय। अगस्त। हाँ? मैं राम बताया था ना तुम्हें, एक बात बताऊं? क्या है? अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। टुमारो मॉर्निंग 7 o'clock मिलेंगे, छोटा सा काम है। ओके ओके, बाय बाय। सुबह हो गई। या अरे देखो भाई, बड़े साहब आ रहे हैं। क्या बात है? बड़े साहब आ रहे हैं। बड़े साहब आ गए। अरे आ गए, चलो चलो जल्दी करो, आ जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बड़े साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते बड़े साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते बड़े साहब। नमस्ते साहब। क्यों भाई एमपी,
वो पावर पॉइंट इशू का क्या हुआ? वो दिल्ली वाले तो देने के लिए तैयार हैं साहब, हमारे लोग ही लेने के लिए तैयार नहीं हैं। बिल्कुल बड़े साहब, उसमें से जो धुआं निकलेगा ना, उससे हमारी फसल खराब हो जाएगी, हमारी जमीन भी तो बंजर हो जाएगी। तुम सबका मिलाकर करीब 100 एकड़ जाएगा, बड़े साहब का अकेले उससे ज्यादा जाएगा। हमारे खेतों तक बिजली नहीं पहुंचती है, इसीलिए आधी जमीन पर खेती नहीं हो पा रही है। अगर पावर प्लांट लग जाएगा तो जमीन का कुछ ही हिस्सा जाएगा और बाकी पे फसल उगेगी। फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा। ठीक है, जरूरत नहीं है बड़े साहब, अगर सब मना कर देंगे तो आसमान में लगवाएंगे। कुछ भी हो इस जमीन पर ही बनवाना पड़ेगा ना। 1000 एकड़ जमीन में खेती करनी है तो 100 एकड़ जमीन का त्याग करना पड़ेगा। प्लांट में जो जमीन जाएगी उसके लिए हम पैसा मांगेंगे, हमारे बच्चों को नौकरी देने के लिए कहेंगे। हाँ, लेकिन प्लांट के लिए मना कर देंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। आप थोड़ी सी जमीन का त्याग करोगे तो आपके बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लांट लग जाएगा तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप सब मेरी बात से सहमत है ना? हमारे एमपी और एमएलए अच्छा काम कर रहे हैं ना? इस बार हम इनको ही वोट दें क्या? तुम दूसरी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हो, इसको बीच में ना लाते हुए तुम इनके बारे में भला करोगे ये सोचकर? तुमने जिताने के लिए कहा था, इन लोगों ने जिता दिया, तभी मैंने तुमसे कहा था कि इनका विश्वास कभी मत तोड़ना। कोई भले ही कुछ भी बोले, हमारे अधिकारी हमें ही टिकट देने की बात कर रहे हैं। अरे ये क्या कर रहा है? ए, अपना मुंह बंद करके शांत बैठो। बैठ जाओ। नालायक कहीं का। कौन होता है अधिकारी? अधिकारी वो होता है जो वोट डालता है। इन्होंने जो तुम्हें अधिकार दिया, तुमने उसका फायदा उठाया। मैंने कहा था इस धरती पर खून का एक कतरा भी नहीं बहना चाहिए। तू गलती करेगा तो क्या मैं खामोश होकर देखता रहूंगा? उठाकर फेंक दो धोखेबाज को। सबके सामने उसने मुझे लात मारी, मेरे लात से उसकी धड़कन ना रुक जाए तो मेरा नाम बदल देना। देख लूंगा इस आदमी को, जरा टाइम आने दो मेरा। उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, आने वाले इलेक्शन में उसकी जगह किसी अच्छे इंसान को जिताएंगे। जमीन पर खून का एक कतरा भी नहीं बहना चाहिए, लेकिन मेरा ही खून बह गया। बड़े साहब, वो यहां का तो नहीं था, लेकिन उसने आप पे हमला किया, इसका मतलब यहां के ही किसी आदमी ने यह करवाया है। वो
चाहे जो भी हो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शिव रहने दो, जल्दबाजी करेगा तो मासूम लोगों की बलि चढ़ेगी। इस मामले की तहकीकात करने के लिए पुलिस वाले हैं, ये उन्हीं पर छोड़ दो। पुलिस वालों की कहानी हम सबको पता है, उन्होंने बड़े साहब को रोकने की कोशिश की जिसने भी ये किया है, और इन सब के पीछे जो भी है उसे ऐसी सजा देंगे कि उसकी रूह भी अपनी मौत के बारे में सोच के कांप उठेगी। हे भाई, गोली चलाने वाले के दाहिने हाथ में दो उंगलियां नहीं थी। ए चलो रे। अरे लड़की, ए लड़की चोर, अरे चोर रुको, अरे अरे पकड़ो पकड़ो उसे, अरे 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 रुको, अरे क्या कर रही हो, अरे कहाँ जा रही हो, अरे अरे सत्यानाश मंदिर का सामान चोरी कर रही है। कलयुग नहीं है पंडित जी, ठंडी का मौसम है। सत्यानाश पहले उसे पकड़ो जाओ। अरे बाप रे, अक्षत की प्लेट भी चोरी कर ले गई, अरे मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो, अरे रे रे, इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी मुश्किल है, इसीलिए आशीर्वाद के लिए भगवान का सामान ही उठा लिया। आशीर्वाद नहीं पंडित जी, शादी करवानी है। ओ क्या हुआ, मंगलसूत्र पहनने से पहले माँ बन गई, कैसा समय आ गया है। क्यों रे लड़के, उस गिफ्ट की वजह तू ही है ना। जी जी, मैं नहीं हूँ पंडित जी, ये गिफ्ट मेरे सुपर सीनियर का है। अरे रे 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 रे। अच्छा तो इसका कारण तू है, कैसा इंसान है। मतलब कि वो मेरी शादी से एक घंटे पहले मेरी दादी घंटी बजाकर ऊपर चली गई, दैट्स व्हाई मेरी शादी एक साल के लिए पोस्टपोन हो गई। दैट्स व्हाई कुछ रातों में ही मैंने ये कार्यक्रम कर दिया। दैट्स व्हाई शादी पोस्टपोन हो गई, ये कहकर सब आपका आशीर्वाद। पंडित जी पहले शादी करवाइए, डिलीवरी हो गई तो शादी से पहले माँ बन गई कहकर इज्जत चली जाएगी। ठीक है तो शादी शुरू करते हैं। चल मोटू आ जा, कर्म करते समय माँ बाप की याद नहीं आई थी। सुनो मामा कहो। अम्मा नहीं डार्लिंग, मामा। तेरी तो लात मारूंगी तो टूट जाएगा। अभी इतनी वायलेंटली है तो सबको साइलेंटली कैसे कर लिया। थोड़ा धीरज रखो डार्लिंग। कमीने कहीं के, तब तुमने कहा सीख लो और अब धीरज धरने को कह रहे हो। ओह मम्मी। पंडित जी डिलीवरी होने वाली है, शुरू कीजिए। चलो ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्मै। अरे मंत्र बाद में, पहले मंगलसूत्र की बात करो। ये लड़का भी कम नहीं है, मंगलसूत्र निकालो। लाओ लाओ मुझे दो, ऊपर उठाओ। हाँ उठा लिया। अरे अरे मोटा हो गया, दिमाग नहीं है क्या। चलो उठाओ। ठीक है, उठाने के लिए बोला तो लड़की को उठा लेगा, उठाने की आदत ही पड़ गई है। सुनो वो चोटी उठाओ, ए मंगलसूत्र पहनाओ। पहना दे, अरे एक नंबर का मूर्ख प्राणी है ये। अरे मंगलसूत्र चोटी में नहीं, गले में बांध। पहनाना नहीं आता, चलाए शादी करने, मूर्ख। इट्स मेडिकली मिरेकल, शादी के दिन ही डिलीवरी, कांग्रेट्स। अरे बाप रे। वैद्य जी सुनिए, वैद्य जी अगर एक मुझे मौका दें तो दुल्हन को अरुंधति नक्षत्र दिखा के चला जाऊंगा मैं। दिखा दीजिए। मुझे यहाँ तारे नजर आ रहे हैं, अगर ज्यादा बात करोगे तो यही गाड़ दूंगी। ये गुस्सा वहाँ दिखा दी तो ये नौबत नहीं आती आज तेरी। तो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो पंडित जी, क्या हो गया बताइए ना। ये लड़की तुझे कहाँ मिली भाई, ये तो बिना गालियों के बात ही नहीं करती। थोड़ा सहन कर लीजिए पंडित जी, जिम्मेदार तू है, गालियाँ मैं सहूँ। शादी करवाई है, बच्चा पैदा होने के बाद आशीर्वाद देकर जाएगी। सहना तो पड़ेगा ही, शास्त्र से तुम लोग चाहे भटक गए, मैं नहीं भटक सकता। ये मेरी जिंदगी की पहली शादी है, लड़की हुई है। हे बेटी पैदा हुई है, खुशी की बात है। अरे मोटू, अरे मोटू, अरे क्या हुआ क्या हुआ। अरे बेटी कांग्रेचुलेशन पंडित जी, मुझे नहीं तुझे। मुझे, हाँ जा मुझे। अरे बाप रे, मुझे बेटी हुई है, मुझे बेटी हुई है, मुझे बेटी हुई है, बेटी हुई है। मैं देखने जाता हूँ। डार्लिंग, महालक्ष्मी है, इसका नाम क्या सोचा है। मेरी दादी माँ। तो चुप कर, तुम बोलो। मैं शादी तुम ही करवा रही हो तो नामकरण तुम ही करो। मधु, मधुमती। ओह मधुमती फिल्म की हीरोइन, बढ़िया है, कंफर्म कर दो। थैंक यू थैंक यू मेरी डार्लिंग। पता नहीं कैसा ट्रेंड है, पार्क में सुहागरात, एम्बुलेंस में शादी, हॉस्पिटल में डिलीवरी। तुम लोग शास्त्र के अनुसार चलोगे या मोटू की तरह ओम नमः शिवाय। क्या बोलूं अब मैं। आ,
उनकी तरह ओम नमः शिवाय क्या? बोलो 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 ना। इसे अब तक किसी ने टच नहीं किया। सच में? दिखने में तो अच्छे भले दिखते हो। एनी प्रॉब्लम? चीजे, ऐसा कुछ नहीं है। हाल ही में इसे एक लड़की ने टच किया था। भले ही मुझे उसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं है, मेरा दिल जैसे वो अपनी तरफ खींच रही हो और उसी की तरफ जा रहा है वो। अगर वो मेरी लाइफ में आ जाएगी तो मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। घर के चार बड़े और चार अक्षत और सात फेरे, इतना काफी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मान लिया ना तुमने? ऐसी स्टोरी लॉलीपॉप खाने वाली लड़कियों को सुनाओ, वो मान लेंगी, मैं नहीं मानूंगी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। By the way, बच्ची का अच्छा नाम रखा तुमने। मेरे बहुत करीबी इंसान का नाम है वो। तुम्हारी माँ का नाम है क्या? नहीं, मेरा है। मधु, मधुमती, स्वीट नेम। तेरी बेटी यहीं पर पढ़ाई कर रही है ना? मेरी बेटी, उसे मेरी नजरों से और कितने दिन बचा कर रखेगा? वो बड़े साहब, ए वो देख, राव की जिंदगी में मजे ही मजे हैं। अरे सुन रहे हो क्या? काम हो गया? मधु मेरी है। लाइन क्रॉस मत करना। दोबारा टंग स्लिप हुआ ना तो मार देंगे। किसी को नहीं छोड़ूंगा। सैंडल के साथ तूने झगड़ा क्यों किया? उसने क्या कहा तुमने सुना नहीं? नहीं सुना। हाँ तो भूल जाओ। क्या बोला बताओ, मैं भी उसको मारूंगी। पूछ रहा था काम हो गया क्या? अब ओके ना? तुम्हें बुरा लगेगा इसलिए मैंने नहीं बताया। शांत हो जाओ, इसमें बुरा लगने जैसी क्या बात है? ए ए सैंडल, काम हो गया, शादी हो गई, बच्चा भी पैदा हो गया। तुम बुरा मत मानना। इसी के लिए तूने ये सब किया ना? अगर इसे तेरी लाइफ से निकाल नहीं दिया तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। शादी के दिन ही बच्चा पैदा हो गया, ये सबको पता चलेगा, इसलिए तुमने झगड़ा किया? करेक्ट। अरे पागल कहीं की, पागल कहीं की, पागल कहीं की। बचा, बचाओ, बचाओ। इसने ही बिना उंगली वाले को बंदूक बेची थी, इतना मारने के बाद भी उसके बारे में नहीं बता रहा है। सुद्धा! गन, मैंने उस आदमी को, गन मैंने उस आदमी को नहीं बेची। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तूने उसे गन बेच दी और तुझे नहीं पता कि वो कौन है?
बबुल शिव अगर बगल में है तो बड़े साहब का जासूस ही है समझो, उसके करीब भी नहीं जा सकते। हमारी तलाश में वो आ रहा है, इस बार तो शिव को मारना ही पड़ेगा, उसके बाद उस बूढ़े का काम तमाम करना होगा। फ्रेंड की बेटी की शादी है कहकर जल्दी में हैदराबाद ले आए, अक्षत डालते ही कैब में बैठा दिया, अरे यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाने दिया। इतनी जल्दबाजी में हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम्हें शादी में लेकर जा रहा हूँ? कुछ भी, लाडले बेटे से मिलना है। अच्छा, जब कभी हम कहते थे तो साफ साफ मना कर देते, अब बेटे के प्रति इतना प्यार कहाँ से उमड़ आया? प्यार व्यार कुछ उमड़ नहीं आया है, शौक लगा है मुझे। फोन पे जो तुम कवर कर रही थी वो सुनकर मुझे डाउट हुआ और मैंने यहाँ पे फोन अ फ्रेंड किया और तुम्हारे बेटे की इंक्वायरी करवाई। हाय, 6 महीने से मैं उसके पीछे लगा हूँ और अब उसके लव स्टोरी के बारे में सब पता चला है मुझे। माँ, मेरा फ्रेंड कॉलेज के पास आ रहा है, वो बेकार लड़की कौन है वो पता चल जाएगा। अब पकड़ में आया है तुम्हारा बेटा, अगर उसे वो लड़की चाहिए तो मैं उसे अपनी दहलीज पर भी कदम नहीं रखने दूंगा। ए, कार रोक भाई, कार रोक। सुधा, वो अपना ही बेटा है ना? मेरा बेटा कैसे हो सकता है? आपको दुनिया का हर लड़का मेरे बेटे जैसा ही नजर आता है, पागल हो गए क्या? मेरे फ्रेंड ने कहा था कि यहाँ एक बेकार लड़की है, लेकिन यहाँ तो इसके सारे दोस्त बेकार हैं। अरे पापा, अरे उतारो उतारो। माँ, आओ आओ। पापा, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। एकदम करेक्ट टाइम पर आए हो, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है पापा। बिल्कुल तुम पर गया है, देखो कैसे कवर कर रहा है। ए अगस्त, अगस्त क्या है, अभी तो सितंबर है ना? हाँ, सितंबर है। अरे ये कहीं फसाना थे, वही लड़की है क्या? पापा, पेरेंट्स। हाँ हाँ, कंग्रेट्स अंकल, आपके बेटे ने कैंपस इंटरव्यू में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, मंथली 3 लाख सैलरी। लगता है पापा का ब्रेन ब्लास्ट हो गया है। आपके 1 ईयर सैलरी इक्वल टू भैया का 1 मंथ सैलरी। पब्लिक के सामने तो इज्जत मत उतारो। अंकल कांग्रेचुलेशंस अंकल। कांग्रेचुलेशंस अंकल। एक्चुअली इसको पार्टी देनी चाहिए, लेकिन स्पेशल ओकेजन है तो आपको देनी चाहिए। सारे बच्चों को पेपरमिंट खिला दो। पेपरमिंट? नो। क्यों? क्यों? आपके बेटे ने हिस्ट्री क्रिएट की है, बड़ी पार्टी देकर आपको भी हिस्ट्री क्रिएट करनी चाहिए। इज्जत का सवाल है अंकल, इज्जत का सवाल। इज्जत का सवाल है? हाँ अंकल, हम सबके लिए बड़ी पार्टी। अंकल ने हाँ कह दिया। फिर पार्टी कहाँ करनी है वो भी बता दो। ससुराल का दरवाजा लग रहा है, होटल तो बिल्कुल नहीं लग रहा। वही अंकल, ससुराल का दरवाजा है ये, फिल्म रिलीज होने के बाद कस्टमर को रिश्तेदारों की तरह ट्रीट करने वाला नया कॉन्सेप्ट। वो सुपर हिट था और ये सुपर हिट है। तुम किसी लड़की से प्यार करते हो इसलिए तुम्हारे पापा हम सबको यहाँ लेकर आए, लेकिन तुम इस लड़की से प्यार करते हो ये तुम्हारे पापा को नहीं पता है। तुम्हें पता चल गया है इसलिए उसे बहू कहकर मत बुलाना, अभी तक वन साइडेड ही है। हेलो, मैंने तुझे कॉलेज बुलाया था ना उस लड़की को दिखाने के लिए। अर्जेंटली ससुराल आना पड़ा मुझे यार। बाप रे, इस उम्र में भी तेरी एक और सेटिंग है क्या? तुझे सैल्यूट है भाई। अरे ससुराल मतलब होटल है यार, तू भी जल्दी आ, साथ में खाना खाते हैं। अच्छा, तो बताया क्यों नहीं, अभी आ रहा हूँ। रुक रे चपड़गंजू। मैं हाँ, तू ही अहिल्या? हाँ आई आई। दामाद जी आए हैं। स्वामी नदी में नहीं गए? स्वामी बताया था ना नया कॉन्सेप्ट है, पैर धुलवाने के लिए बोल रही हैं। पैर धोने के लिए कह रही है? वो बूढ़ी तुम्हें दामाद जी कह रही थी और ये तुम्हें स्वामी कहकर बुला रही है। मुझे बिना बताए कोई दूसरा चैनल तो नहीं खोल लिया तुमने? मेरे पास जो चैनल है वो भी मैं 1 महीने में एक बार देखता हूँ, दूसरा कब खोलूंगा। चलो चलो। दामाद जी चिट निकालिए, बंपर ऑफर है। बंपर ऑफर? डेंजर है। अरे बाप रे। आइए आइए, जीजा जी के लिए खाने का इंतजाम करो। वाह, सब तहस नहस हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो पत्ता दिया है ना वो तहस नहस हो गया है, इसलिए दूसरा चाहिए। अरे सुनो ना, मुझे एक नया पत्ता दो ना। ये लो। सुनो, भतीजों को बहुत भूख लगी है, ध्यान से परोसना उन्हें। खाना बढ़िया है ना? तू साबुन से मलने की कोशिश करेगा?
तो वो ग्राइंडर से पीस देंगे। एक तो मेरे पापा को पता ना चल जाए इस बात का मुझे टेंशन है, और तेरा अलग ही चल रहा है। पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया। रुक जा गेंडे की औलाद। लोग प्यार से ऐसे ही बुलाते हैं, इसको कैसे पता? क्या बात है माता जी? पैर धोए बिना भला कोई अंदर जाता है क्या? नहा के तो मैं घर से ही आया था। हटो यहाँ से। रुको रुको, धोता हूँ। धो लिया धो लिया, अच्छे से धो लिया। आइए दामाद जी। दामाद जी मतलब आप में से किसका पति हूँ मैं? इसमें से एक पर्ची निकालिए, उसमें जिसका भी नाम आएगा एक घंटे के लिए उसके पति बन सकते हैं। सिर्फ एक घंटा? आधा घंटा काफी है। तो ये निकालता हूँ। ए चित्रा, दीदी का नाम आया है। तो फिर बिस्तर कहाँ है? क्या? अरे दीदी के बारे में पूछ रहा हूँ। आपका बिस्तर अगल बगल है क्या? हाँ। तुम कौन हो? दीदी। अरे वाह। स्वामी ऐसे क्यों देख रहे हैं? लुंगी पहन के काम पे लग जाइए। लगता है मुझसे भी तेज स्पीड है। आ रहा हूं। चलो चलो। अरे जाइए जाइए। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अब तो ये गया। अरे शांता राव, शांता राव कहाँ जा रहे हैं? चलिए यहाँ से। बहुत जल्दी है। आप माँ के ज्यादा करीब हो या पापा के? नानी के। खाने से पहले एक निवाला लेकर उन्हें याद करके बगल में रख दीजिए, वो जहाँ भी होंगी उनका पेट भर जाएगा। बाप रे, इतना बड़ा धोखा, एक घंटे का पति बताकर बाबरची बना दिया। इसकी तो मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? पहले काम पूरा कीजिए। अरे कुछ नहीं करूँगा, क्या कर लोगी? जाकर पत्ते धोइए। पत्ते धो जाकर? जाते हैं कि नहीं? ठीक काम छोड़। इतना खुश तो मैंने तुम्हें पहले कभी भी नहीं देखा। ए अंकल के लिए दाल मखनी और आंटी के लिए बैंगन का भरता लेकर आओ, ये बहुत पसंद है इन्हें। ये सब तुम्हें कैसे पता बेटी? आधा खाना हो तो आपने उसी के साथ खा लिया ना। कुछ और पीसने का इरादा था लेकिन यहाँ मिर्ची पीसनी पड़ रही है। कोई उम्मीद मत रखो, चुपचाप पीसो। अंकल मैनेजर है क्या? बैंक मैनेजर है या LIC मैनेजर? बुजुर्गों के नर्क के मैनेजर, ओल्ड एज होम में। आप ग्रेट हो अंकल, आज के जमाने में ऐसी सर्विस कौन करता है भला? आप मुझे बहुत पसंद आए। ये सब इनको पसंद नहीं आता है। पसंद नहीं आता? बिल्कुल नहीं। तो फिर आंटी को डिवोर्स दे दीजिए। इस जन्म के लिए ये भूत काफी। चुप हो जाइए, आप ग्रेट नहीं है, ग्रेटेस्ट है अंकल। जल्दी काम करो। कर तो रहा हूँ, एक घंटे का पति बनाकर पत्ते धुलवा रही हो। ये लो, इनको काम सिखाओ। ये कौन है? तुम्हारे साथ वाले दामाद। क्यों भाई, एक घंटे का पति बनकर घंटा बजाने का इरादा था? जाओ लुंगी पहनकर काम पर लग जाओ, जाओ। ए, दामाद जी घर से जा रहे हैं, बिल भर दिया क्या? क्या कह रही हो सासू माँ, ससुराल में खाना खाने के बाद कोई दामाद बिल भरता है कभी? अरे बाप रे, मेरा फोन छोड़कर कुछ भी मांगो दे दूंगा। अरे मेरे बाप, मत पूछो। अरे फोन मेरे पास, सुन ना यार। अच्छा ठीक है। अरे राज, अरे अरे पापा मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। क्यों रे राज, सुना है तुम किसी बेकार लड़की से प्यार करते हो? पापा मुझे सब पता है, किसी बेकार लड़की से प्यार करने के बजाय उस लड़की से प्यार कर सकते थे ना? तुम्हारे लिए, आओ आओ। नहीं नहीं, उस लड़की से प्यार करते तो कितना अच्छा होता। मधु से? हाँ हाँ, एक घंटा एक मिनट की तरह बीत गया। इस ससुराल में इसने हमें इतना खुश रखा है, अगर तुझसे शादी करके ससुराल आएगी तो हमें कितना खुश रखेगी। पापा आपको मधु पसंद है क्या? बहुत पसंद है। तब तो वही बनेगी आपकी बहू। तो तू प्यार करता है वो लड़की? फर्स्ट टाइम आपने मुझसे कुछ मांगा है पापा, अगर वो मैंने पूरा नहीं किया तो मैं आपका बेटा नहीं हूँ। क्यों माँ? इस सेकंड से मैंने जिससे भी प्यार किया उसे अपने दिल से निकाल दूंगा। मधु से प्यार करना स्टार्ट कर दिया मैंने, और इतना ही क्यों? नेक्स्ट फादर्स डे में आपको मधु को बहू के रूप में गिफ्ट दूंगा, इट्स माय प्रॉमिस। एक मिनट, हाँ बस एक मिनट। क्या हुआ जी? ये क्या है मेरे लिए? मैंने बस इतना कहा कि वो मुझे पसंद है, तो बस एक सेकंड में उसने अपने प्यार को छोड़ दिया। क्या कहूँ? शांता राव, अरे शांता राव, अरे तू यहाँ है क्या? एक घंटे पहले तू आने वाला था, कहाँ था तू? एक घंटे में पूरी जिंदगी तबाह हो गई, खाना बनाते बनाते खुद पक गया। क्या 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 हुआ? अरे यार वो सब बाद में बताता हूँ। हाँ बिल्कुल। अरे शांता राव, तेरा बेटा जिस लड़की से लव करता है ये वही है क्या? पता है। पता चल गया? कब चला? अभी। लेकिन तुझे कब पता चला? मुझे तो पहले पता था। अभी प्यार शुरू हुआ है, तुम्हें पहले से कैसे पता? पहले ही लव किया इसलिए। अरे ये बेवकूफ कहीं पोल न खोल दे। क्या करे माँ? आइडिया, एक मिनट।
अंकल ये लीजिए मिठाई। उस लड़की से पहले प्यार करता था लेकिन इस लड़की से वो अभी प्यार करता है। मतलब वो लड़की कौन है और ये लड़की अंकल, कौन है? मिठाई अरे नहीं चाहिए बेटी। ये लड़की है मधु और वो कोई बेकार लड़की थी। अंकल लीजिए ना। भाड़ में गई मिठाई। ये जो दिमाग में टेंशन दे रहा है और तू मिठाई खिला रही है, मेरा शुगर वैसे ही बढ़ रहा है। कूल कूल। अरे मेरी बात सुन यार, वो लड़की ये लड़की है। नहीं नहीं, ये लड़की है मधु, वो कोई बेकार लड़की थी। क्या हुआ रे? हर कोई अपने भ्रम में रहता है, ऐसा मेरी दादी कहती थी। पहले यकीन नहीं था लेकिन अब यकीन हो गया। तेरी किस्मत तेरा करम, जा। ये क्या, ये खुद कंफ्यूजन में और मेरी किस्मत को ललकार रहा है। अरे आप तूने शांताराम को अच्छा उल्लू बनाया है और मुझे झूठा बना दिया। उसकी समझ की वजह से मेरा दिमाग गर्म हो रहा है, अर्जेंटली फोन करना पड़ेगा। रुक जा अभी बताता हूँ। 4-3-2। हेलो अंकल। हाँ? फोन पर ज्यादा बात मत कीजिए, मैटर काम नहीं करता। मैटर काम नहीं करता क्या? आप भी फोन पर ज्यादा बात मत कीजिए, आपका भी मैटर काम नहीं करेगा। इनका मैटर काम करना बंद किए तो कई साल बीत गए। क्या कहा? इतना शौक क्यों हो रहे अंकल? मैटर मैटर मतलब ब्रेन। हाँ मैंने भी तो वही कहा। बेटी मैटर मतलब सच में ब्रेन होता है क्या? हाँ अंकल। तुम ये सब कैसे करोगे पता नहीं, लेकिन मधु से ही शादी करना। ठीक है पापा। मेरे लाडले बेटे को कौन मना करेगी। ओके माँ। बाय बेटा। बाय भैया। अपना ख्याल रखना। बाय। हेलो मधु, अब तुमसे अर्जेंटली कुछ बात करनी थी। अगस्त, शादी फिक्स हो गई। I'm so happy. मैं कितनी खुश हूँ पता है? 10 दिन में शादी है। शादी के बहुत सारे काम है, ये बहुत ही एक्साइटिंग होगा देखना, बहुत मजा आने वाला है। कपड़े खरीदने हैं, गोल्ड परचेज करना है, मेहंदी लगवानी है, तुम्हें अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर आना है। शादी के सारे काम तुम्हें करने पड़ेंगे। अगर तुम ये सब करोगे तो मेरी दीदी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलेंगी। तुम्हारी दीदी मुझे कभी नहीं भूलेगी मतलब? दीदी की शादी हो रही है ना। शादी तुम्हारी दीदी की है? अच्छा बताओ, तुमने फोन पर कहा था कोई जरूरी बात है, इतना सीक्रेट है क्या? वो मैं कैसे बताऊं अभी। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हे भगवान अल्लाह जीजस, सोचो और बता दो। हाँ। हे भगवान अल्लाह जीजस, मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी? हाँ। तुमने लड़की सेलेक्ट कर ली क्या? रिलेटिव्स है क्या? हमारे कॉलेज की लड़की है क्या? हमारे ग्रुप की लड़की है? ए बताओ कौन है वो, कौन है, कौन है? मेरी लाठी पकड़ता है बदमाश, कब से मैं तेरा इंतजार कर रहा था, अब जाके हाथ लगा है तू, बताता हूँ तुझे। कुछ बताया इसने? नहीं सर। सर कुछ लड़कियों की डेड बॉडीज पहाड़ पर पड़े हुए मिले हैं, हमारे कांस्टेबल्स ने फोटो भेजे हैं सर। क्या रे,
सबके साथ तूने मधुमती को भी मार दिया। मधु कैसे मर गई? मैं स्पॉट पर जा रहा हूँ, मेरे वापस आने तक इससे सच उगलवाना। ओके सर। सर मधु को कुछ नहीं हुआ होगा सर, चल एक बार झाड़ू दिखाइए, मधु नहीं होगी सर। तो वो तो देखेगा, पहले मारता है फिर जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं ऐसा नाटक कर रहा है। नहीं सर, सर प्लीज एक बार सुनिए। ठीक है सर, मेरे वापस आने तक अगर तूने सच नहीं बताया ना तो तू खत्म हो जाएगा, समझा? ए कांस्टेबल, दरवाजा खोल, आ रहा हूं मैं। वेंकट तू बाहर जाकर चाय लेकर आ। जी ठीक है सर। एसपी साहब खुद आए हैं, इसका मतलब मैटर सीरियस है। तुम लोगों को देखकर लग नहीं रहा है कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी गलती की होगी? तुम लोगों का इनकाउंटर करने का ये लोग प्लान कर रहे हैं। इनकाउंटर? आसपास के थाने की पुलिस भी आ रही है, अगर उनके हाथ लग गए तो तुम्हें काट डालेंगे। तुम्हारी उम्र का मेरा भी बेटा है, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोग जल्दी से भाग जाओ। जल्दी जाओ, अरे जल्दी जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। मेरा काम तो हो गया, बस अब आपका इनकाउंटर बाकी है। रुक जा, मैंने कहा रुक जा। रुक जा यार, अगर मधु जिंदा है तो मैं उसे किसी भी कीमत पर ले आऊंगा, लेकिन अगर इस बीच मुझे कुछ हो गया तो क्या कह रहा है? मेरे पापा को सॉरी कह देना। रुको, पीछे पीछे। तुम लोग पहले यहाँ से भाग जाओ, जल्दी। अरे अरे जाओ, जल्दी भागो, जाओ जल्दी। रुक जाओ, रुक। सर सर क्या हुआ? सर हुआ सर, चोट लगी क्या? पकड़ो उसे। जी सर। पुलिस से भागते हैं। अरे हट। गेम खत्म हो गया। कहाँ गया वो? कहाँ है वो लोग? मुझे मारकर यहाँ से भाग गए सर। तुम लोग कहाँ थे? सारे पुलिस वाले मर गए थे क्या, या फिर वसूली पे गए थे? पहाड़ पर लड़कियों की लाश मिली है ये सुनकर सब लोग वहाँ गए हैं सर। ऐसा मत करिए सर, बोलो ना विजय। पीछे हटो सर, तालाब के उस तरफ और भी डेड बॉडीज पड़ी हैं, जाकर देखते हैं। आइए सर। इसके पीछे चाहे जिसका भी हाथ हो, चाहे वो कितने भी लोग हो, सूर्यास्त से पहले वो मेरे सामने होना चाहिए। अरे क्या हुआ? मुझे ब्लड दिखाई दे रहा है यार। लेट जा, आराम से लेट जा, दो मिनट रिलैक्स हो जा। एक्सीडेंट में उसकी आंखों की ऑप्टिक नर्व सीवियरली डैमेज हो गई है, इसलिए उसे ब्लर दिख रहा है। इमीडिएटली शहर जाकर उसका फौरन ऑपरेशन नहीं करवाया तो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाएगा। और एक खास बात, वो इमोशनल ना हो इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर ऐसा हुआ तो
तो डैमेज नर्व पर प्रेशर पड़ेगा और ब्लरनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। मधु मधु, क्या कहा? आंखों में आंखें डालकर देखेंगे तो लड़कियों को हमारा प्यार दिख जाएगा। अरे यार, वो सब हमारे दादा परदादा के जमाने में होता था। आजकल की लड़कियां ना सिनेमा, सिगार, पार्क, पब, शॉपिंग मॉल, व्हाट्सएप, स्काइप, इसके अलावा लॉलीपॉप देकर लिप टू लिप, हिप टू हिप टच, ये सब करके हम चाहे कितने भी कोशिश कर लें, हम उनके प्यार में बर्बाद भी हो जाएं, लेकिन उनको हमारा प्यार दिखने वाला नहीं है। ए, उसको समझ में आ गया है। क्या कहा? उस लड़की को समझ में आ गया है? तुझे कुछ पता नहीं है, ये बात हम जानते हैं। तो इसको तो समझा रहा है, तुझे समझ में आता है? अब बोलने से कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। हे बेब्स, एक मिनट। हाँ, हे, उससे पंगा मत ले। चुप बे। अरे तो ऐसा क्यों कह रही है? क्या बे लफंगे? क्या रे? प्यार की शुरुआत होती है आंखों से और धीरे धीरे बढ़ती है लिप टू लिप से, खत्म होती है थप्पड़ से। चल बे पागल कहीं का। इसकी तो लगता है इसके मोटे दिमाग में बारीक बात गई नहीं, बड़ी जोर से मारा। उस लड़की को मैंने सीधे सीधे बोला, फिर भी उसे समझ में नहीं आया, तो फिर मधु को कैसे समझ में आएगा? तू जाके उसको बोल देना। नहीं यार, उसके बताने तक वेट करूंगा मैं। किसको बताने तक? हाय हाय हाय, शादी में कैसे एंजॉय करेंगे उसका प्लान कर रहे हो? तुम दोनों का मामला शादी तक पहुंच गया है और डबिंग फिल्म की तरह कैसा एक्ट कर रहा है यार। तेरी वजह से मैं उस बेकार सी लड़की से थप्पड़ खा गया। छी, मित्रद्रोही। अगस्त को डांटो मत, मैं कह रही हूँ ना, 9 days में शादी है। 9 days में शादी है? हाँ, ऑलरेडी मैंने सभी को बुला लिया, तुम भी आना। हमारे बिना तुम्हारी शादी? शादी उसकी बहन की है। बहन की? ये कब पैदा हुई? अरे वाह, जगह तो बहुत अच्छी है ना। चलो तो मामा जी। कैसी हो बेटी? आपके होते हुए मुझे किस बात की कमी? सुपर। वैसे आप जनता और मेरे अलावा कभी अपने बारे में नहीं सोचेंगे क्या? मुझे क्या हुआ है बेटी? क्या हुआ है देखिए, कैसे मुझे नीचे झुक गई हैं। बहन आ गई तो घर में रौनक आ गई। ए मधु, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। मामा जी, भैया और दीदी। खुश रहो बेटे, शादी धूमधाम से होनी चाहिए। हमारी शादी तो धूमधाम से होगी। मतलब घर की शादी की तरह तैयारी करेंगे। शिव, इसके रहने का इंतजाम कर दो। ठीक है बड़े साहब। वेंकट सुनना जरा। भैया अंदर ले जाओ इन्हें। आइए भैया। वेंकट भैया, मुझे एक डाउट है भैया। कैसा डाउट भैया? बाहर मधु ने दीदी, मामा जी और भैया कहा। उनके भैया ने मधु के मामा जी को बड़े साहब कहा। यहाँ आने के बाद मधु के माता पिता दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे ये दीदी कौन है और वो छोटा रायडू कौन है और वो बड़े रायडू कौन है? और ये बताओ तुम कौन हो? क्या बात कर रहे हो, मधु ने आपको बताया नहीं क्या? मधु के बचपन में ही वीर नायडू जो उसके पिता है वो अलग हो गए थे। इस कारण बड़े साहब ने अपनी शादी भी नहीं की। शिवा भाई को अपनी बहन से बहुत प्यार है, मामा को वो भगवान मानती है, इसीलिए मामा होने के बाद भी उनको बड़े साहब बुलाती है। मालिक भाई, शादी का कार्ड भाई। उसने सबके सामने मुझे लात मारी। ए, उस घर में शादी होगी या बॉम्ब फटेगा। उस बड़े साहब के परिवार में एक एक आदमी के चिथड़े उड़ जाएंगे। शादी के बाद तुम्हारी दीदी अमेरिका जाने वाली है। इतना दूर इसको भेजना मुझे पसंद नहीं है, फिर भी तुम्हारा भाई अच्छा रिश्ता लेकर के आया है, इसीलिए मैं मान गया हूँ। ए, तुम्हारी बहन जहाँ भी रहेगी उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सिर्फ इसकी ही नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी मेरी है। क्यों, क्या तुम मुझे बूढ़ा समझ रहे हो? बड़े साहब, आपसे मिलने के लिए MLA आए हैं। आम गुल्ला, रसगुल्ला। मैम साहब ने कहा है कि आपको जो भी चाहिए वो आपको ला करके देना है, आप बस बताइए, झट से लेके आता हूँ। वाटर लेकर आ। इसकी तो
मटके का वाटर या कूलर का वाटर, बॉयल वाटर या बोर वाटर, नदी का वाटर या तालाब का वाटर, बिस्लरी लेकर आ, हाफ लीटर या लीटर, टू लीटर या थ्री लीटर, फोर फाइव लीटर या फिर कैन चाहिए? अबे तेरी तो वन लीटर बॉटल लेकर आना। एक एक को वन लीटर या दो दो को एक लीटर या तीनों के लिए वन लीटर? दस लीटर वाटर और एक गिलास लेकर आ जा। स्टील गिलास या सिल्वर गिलास, प्लास्टिक गिलास या फाइबर गिलास, पीतल के गिलास या चांदी के गिलास, मिट्टी के गिलास या कांच का गिलास? अबे तेरी बहन के गिलास, तेरी बहन का गिलास क्या नहीं मिलता? लगता है आप लोग कंफ्यूजन में। क्लैरिटी मिलने के बाद मुझे बुला लीजिएगा, आगे झट से काम कर दूंगा। टॉर्चर है। मेरे फ्रेंड्स को क्या चाहिए वो पूछा क्या रसगुल्ला? अरे पकड़ो पकड़ो। अरे अरे ये क्या? मैडम इनके पास हाफ है, फुल चाहिए बोल रहे हैं। दारू काफी नहीं होगी इसलिए दारू लेके आना। नहीं सीता, अगस्त, ये सीताराम, ये मेरा फ्रेंड, तुम्हारे साथ ही रहेगा। ये फ्रेंड है तुम्हारा? मेरे कितने सारे फ्रेंड हैं पता है? अगर मैं टच भी करूं तो वो पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ जाते हैं। निकल जा, मधु तुझसे प्यार करती है, समझ ले। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, तुम सच में बड़े कमाल के हो। राजा बताओ ना मैं किसके साथ सोऊं? तुम सब लोग मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? बताओ ना किसके साथ सोना है मुझे? उसके साथ। मतलब कि सारा बेड मेरा ही है क्या? मुझे राजा शर्म आ रही है। चलो ना जल्दी सो जाते हैं, सुबह साड़ियों का सिलेक्शन भी करना है। चलना राजा। ये मेरे पीछे क्यों पड़ा यार? ठंडी लगे तो चादर ओढ़ लेना। क्या ओढ़ ले, इस नाइट को कहाँ फायर लगेगा पता नहीं। हाय गाइस। हेलो सुपर सीनियर, सडनली इतने भारी लगेज के साथ यहाँ आ गए, यहीं पर घर बसाने वाले हो क्या? ए चुप रे भाई, मजाक का समय नहीं है। जब से उस लड़की के साथ शादी की है मेरी जिंदगी पूरी तरह से नरक बन गई है। घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है। मेरी बेटी याद है ना, 6 महीने की हो गई। जब वो पोटी करती है उसकी माँ साफ करने जाती है तो ऐ करके चिल्लाती है, और जब मैं साफ करता हूँ तो खिलखिला कर हंसने लगती है। इस हाथ से उस हाथ से, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, घिस घिस कर मेरे हाथ की लकीरें खत्म हो गई है। इसी बीच मधु ने फोन किया तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए वहाँ से भाग कर यहां आ गया। तुम सब कैसे हो? हाथ क्या हो गया भाई? मैं तो साबुन से घिस घिस कर हाथ धोता हूँ। थैंक्स। हाँ थोड़ा ऊपर करके लगा दे। बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े साहब की मौत कैसे हुई है सबको पता चलना चाहिए, लेकिन पता ना चले किसने टपकाया है। बिना आवाज के काम हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, हो जाएगा। ऐसा मत कर, वो भगवान है। मेरा दुश्मन तेरा भगवान हो सकता है? मेरा नहीं, अगर टांग अड़ाई तो तुझे भी मार दूंगा। क्यों रेडी? तेरा बेटा कुछ कह रहा है क्या? कुछ नहीं साहब, वो मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहता है। बेटी के बारे में? ये क्या चाहता है ये बात मुझसे ज्यादा तुम्हें पता है। बेटी नीरजा। आ रही हूँ अंकल। तुम्हारे पापा कह रहे हैं तुम जाना चाहोगी? मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है। तुमने देखा नागा रेड्डी, तुम्हारी शक्ल देखना तुम्हारी बेटी को भी पसंद नहीं है। उसका बाप अगर बनना चाहते हो तो ये जो तुम जिस तरह की जिंदगी जी रहे हो ना, उसे छोड़ना होगा। साहब, एक बार अगर उसके साथ आप रेडी अप्पा, साहब मैं एक बार जो फैसला कर लेता हूं तो वो पत्थर की लकीर होती है। ये तुम्हें पता है ना, इसका घमंड अब तक कम नहीं हुआ है। जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि ये बदल चुका है तो उसी दिन इसको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। ये देगा और मैं लूंगा, मतलब मैं इसकी नजरों में भिखारी हूं। अब तो इस शादी को मातम में बदल के रहूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। छूट जाइए चाचा। क्या हो गया चाचा, क्यों लड़ रहे हो आप लोग? आंख के बदले आंख तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। बैठकर शांति से बात कर सकते हो ना? इससे क्या बात करूं मैं, मेरे खेत में आने वाले पानी को ये दूसरी तरफ भेज देता है, मना किया मैंने। मेरे खेत में जो पानी आता है उसे ये रोक के अपने खेत में लेकर जाता है, ये देख कर मैं कैसे चुप रहूंगा? अगर मेरा खेत सूखता है तो इसका भी सूखना चाहिए। नहीं मेरे खेत में पानी आएगा, नहीं इसके खेत में। क्या बोल रहा है तू? चाचा एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। क्या हो रहा है ये सब? जो भी पानी आ रहा है अगर आप दोनों आधा आधा कर लोगे तो दोनों के भी खेतों में पानी पहुंचेगा। पूरा सूखने से तो अच्छा है
कि आधे खेतों में पानी पहुंचे। मैं सही कह रहा हूं ना चाची? लड़का छोटा है लेकिन फैसला बहुत सही किया है। अगर मंजूर नहीं तो बड़े साहब के पास चलते हैं। अरे जीप में बैठाओ इन सबको। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सर, छोटी सी प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लेंगे या बड़े साहब के पास चले जाएंगे। आप जाइए ना सर। मुझे जाने को बोल रहा है? पहले तू चल पुलिस स्टेशन चल। मैं आपकी ड्यूटी कर रहा हूँ तो आप मुझे क्यों स्टेशन ले जा रहे हो? ओहो, मेरी ड्यूटी तू कर रहा है क्या? तो ले पहन ले इस ड्रेस को। रहने दीजिए सर, पसीने की बदबू आ रही है। मेरे साथ कॉमेडी कर रहा है सर? रुक जाइए आप, आपको पहली बार देख रहा हूँ मैं। बच्चे की शर्ट छोड़ दो और जल्दी से स्टेशन चले जाओ, ये सब हमारे बड़े साहब देख लेंगे। बड़े साहब? वो कौन है बे? लगता है ये इस गांव में नए नए आए हैं, इसलिए इन्हें बड़े साहब के बारे में पता नहीं है। इस बार छोड़ देते हैं। मुझसे कभी उलझना मत वरना खत्म हो जाएगा, समझा? जाइए सर जाइए, वैसे भी खेतों में बहुत सारे काम पड़े हैं। भैया और मामा जी के मानने के बाद राव को बताने की बात कर रही हो? पहले उसको बताकर मना सकती हो ना? टेंशन मत लो दीदी, आपकी शादी होते ही बता दूंगी और फिर दोनों को मना लूंगी, ठीक है? अपनी मधु के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, लड़का लंदन में है। अगर तुमने देखा है तो अच्छा ही देखा होगा, लेकिन मैंने मधु के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही शादी करवा देंगे। अच्छा, कौन है वो लड़का? आपकी पहचान का है क्या? मैं उस लड़के को बहुत पहले से ही जानता हूँ। हाँ, ये गलती से कोई मर्द अंदर ना आ जाए, दरवाजा बंद करो। देखो मेरी मेहंदी कितनी अच्छी है, देखो तुम ये वाली, देखो तुमने लगाई। अच्छा मैच करो, वो दिखा दो। देखो खुशबू, आसपास कोई मर्द है? अंदर आने की हिम्मत किस में है? मामा जी चमड़ी उधेड़ देंगे। मुझे खुशबू आ रही है, जरूर यहाँ कोई है, कोई मर्द तो है यहाँ पर। कहा है हड्डी तोड़कर झूठे केस में फंसा दूंगी उसे। अरे बाप रे, ये क्या, ये बूढ़ी इतनी वायलेंट कैसे हो रही है? वो निर्भया केस की बात कर रही है, मेरी बीवी मुझे जान से मार डालेगी यार। मना किया फिर भी लेकर आया और अभी भागने की बात कर रहा है। तो अब क्या करें? अरे कहीं देख तो नहीं रहे? देखते हैं। अरे बाप रे, यहाँ पर आ गई। अरे हमको यहाँ से बाहर निकलवा दे, तुझे जो चाहिए हम दे देंगे। ए, क्या हुआ, सब लोग मुझे क्यों देख रहे हो? इसका दिल तुम पर आ गया है, अभी सब लीगल है, मान जा यार। ए, पागल है क्या तू? क्या लीगल है? अरे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, वो बुढ़िया निर्भया केस की बात कर रही है, मधु कह रही है कि उसका मामा चमड़ी उधेड़ देगा। अरे मान जा, मान गया मान गया मान गया, तू रात में आकर जो करना होगा वो कर लेना। अरे इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, वाह कितनी ज्यादा अच्छी साड़ी है ये। मधु ये मुझ पर कैसी लगेगी? मेरे हिसाब से तुम पर अच्छी नहीं लगेगी। दादी जी इस साड़ी का मैचिंग ब्लाउज है मेरे पास। वैसे इस साड़ी का कलर मेरे पैंट से बिल्कुल मैच हो रहा है। हाँ। अरे सीता, चोर साड़ी उठा कर ले जा रहे हैं। अरे बाप रे, अरे मैं फंस गया, मुझे बाहर निकालो। अरे दादी जी इन्हें मत मारो, लग जाएगी। अरे मार डालो, मेरी बेटी मुझे याद आ रही है। दादी जी तू मत मारिए ना, मुझे मिले चोरी कर। वो बुढ़ी कोई मामूली इंसान नहीं है। क्या बात है सीनियर? अरे इसका टुकड़ा ले आओ यार, पूरी दुकान गरम हो गई, थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। अब बाप रे, कुछ नहीं, मेरी बेटी की याद आ रही है। भाई काम हो गया। अरे सही तरह से काम करो भाई, उस बूढ़े को मारने के लिए सारा सामान छिपा कर रख दिया है, सब आसानी से हो जाएगा। ए, शिवा आ रहा है। हाँ भाई आ रहा हूँ मैं। ए, फूल लेकर आ। हाँ इस तरफ जाओ। अरे क्या कर रहा है तू, ठीक से काम करना। ए, मैंने कहा था ना शादी में बहुत सारे नए नए लोग रहेंगे, सब बड़े साहब के रिश्तेदार हैं। हाँ, जा, ठीक है भाई। ए, रसगुल्ला, इतने फूल काफी नहीं होंगे, और फूल लेके आ। मुझे काम बता रहे, अभी बताता हूँ। गुलाब का फूल या कमल का फूल,
गेंदे का फूल या चमेली का फूल, मोंगरे का फूल या सूरजमुखी का फूल? तेरी तो दूं क्या रसगुल्ला, सूर्यमुखी का फूल शादी में लगता है क्या बेवड़े नालायक? भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुझे बुला के गलती कर दी। अब चल निकल यहाँ से। वही ना बात, अब होनी चाहिए। बाप रे तेरी तो। गला पूरा सूख रहा है सीनियर। बैली डांसर की तरह एकदम मस्त है यार। बैली डांसर मतलब? अरे बेवकूफ, अरबियन जलपरी लग रही है, मक्खन की तरह मस्त है यार। अरे वाह, इसको देखकर दिल धक धक करने लगा। हे एंड्री, मधु। अच्छा तू तो इतनी फ्रेश कैसे है, बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? आप कौन हैं? इतने हॉट लग रहे हैं। हॉटी, चलो दीदी के पास चलते हैं। हे हॉटी, यू आर नॉटी। अगर हम लाइफ में मिले तो वैरायटी। अबे ओ, ये क्या है, आखिरी मिनट में बुलेट ट्रेन मिस हो गई, ऐसा चेहरा बनाया हुआ है। फिर लड़कियां ऐसी ही होती हैं, वो उसको लेकर अंदर चली गई। जेलसी यार। जेलसी मधु को किस लिए? अरे इसको बताऊंगा तो इसको समझ में नहीं आएगा। ये ट्यूबलाइट से ज्यादा स्ट्रीट लाइट से कम है। अरे तू इधर आ, रहे तुझे समझाता हूँ। इधर आ, बैठ 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 जा, बैठ जा बे। अरे जेलसी लड़कियों का पैदाइशी हक होता है। मधु के अंदर जेलसी बढ़ा, उसके अंदर से प्यार बाहर निकाल। मधु को जेलसी होगी तो उसका प्यार बाहर निकलेगा। यहाँ स्विच दबाएगा तो वहाँ लाइट जलनी चाहिए। हे भगवान, अल्लाह जीसस, क्या बात कही है सीनियर। अरे अरे जल्दी यहाँ चलाओ, क्या करो तुम लोग? अरे भाई लाइट लगेगी नहीं, अब फूल कहाँ है? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या नाच रहे हो? अरे भाई क्या बात है, अरे देखो तो, अरे क्या बात है, अरे वाह क्या नाच रहा है यार तू। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त। क्या हुआ? अरे इतना उछल क्यों रहा है? मधु को बुरा नहीं लगेगा। जेलसी लीड्स टू लव यार। इधर ये एंट्री को छेड़ेगा ना तो मधु का लव लव उछल कर बाहर निकलेगा। इतनी फिल्में देखता है, अक्ल नहीं आती तुझे? सुनो, मधु को अगर इस बारे में पता चला तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। हाँ पता तो चल गया, लेकिन ऐसे पता चलना तो किसी फिल्म में ही नहीं है। सही से लगा भाई। क्यों भाई, लेट क्यों आए? ए, लड़कियां होंगी इसलिए गेटअप बदल लिया। आ, उदर जा, उदर जा। बाकी के सब कहाँ हैं? वहां पर। ओके। आ जाइए, थाली लेके जाओ उधर। बोल रहे भाई, काम हो गया पूरा। अरे बाप रे, देख लिया। वाह 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 वाह, साड़ी ने तो फाड़ दिया भाई। हाँ बिल्कुल, फट गई क्या? कहाँ कहाँ? पागल कहीं की, फाड़ दिया मतलब एकदम लाजवाब लग रही है। ओह थैंक यू। वैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पगली कहीं की? इसका मतलब होती है सुंदर लड़की। थैंक यू, तुमने भी तो फाड़ दिया पगले कहीं के। मत सुना तो नहीं ना। ठीक है चलो चलते हैं, लिपस्टिक का शेड तो बढ़िया है। मुझे हाँ, चलाओगे? हाँ यार। अरे बाप रे, ये तो जबरदस्त आइटम लगते हैं यार, कौन है ये? ये मेरी है। ये मेरी है। अरे वाह, उसकी कमर हिल रही है, देखो सुपर सीनियर। उसको बुरी नजर से मत देख बकरे, वो तेरी बहन है। नहीं नहीं, वो छक्का है। हा? पक्का राजा? हाँ भागो। हाँ यार सच में। हाय हाय सीता। हेलो। वाह क्या चांस दिया है, अब देखना तुम। ये जो सीता है ना, अब उस राज को ना आधी रात को अपना जलवा दिखाएगी। मजे करो। हे यस 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 यस, डेकोरेशन बढ़िया किया ना। सुनो, साड़ी बहुत फिसल रही है। अरे तो ऐसे रहने दो, लड़कों को मजा आएगा ना। व्हाट?
देखा ना। अच्छा डार्लिंग, साड़ी ऐसे नहीं पहनते हैं, ऐसे लेकर ऐसे इसे अंदर घुसाना चाहिए। साड़ी हमेशा नाभि के नीचे पहननी चाहिए, समझ में आया ना? What is the meaning of नाभि? अरे बेली बटन, ब्रह्मांड की सेकंड कैपिटल सिटी है वो। तो फर्स्ट कौन सा है? फंसाओ मत मेरी माँ। मेरी भी साड़ी फिसल रही है, ठीक कर दो ना। ए, तू क्या हर बार? चल मेरी बात सुनो ना। अरे छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगी। उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? हाँ? अरे नहीं नहीं, छी छी छी, अरे इसको दूर करो, मुझे दबा रही है मुझे। अरे राजा, अरे जोर से दबा रही है। मेरी साड़ी ठीक कर दो ना। अरे दबोच रही है मुझे। अरे कोई बचाओ मुझे। ये लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए हैं? राजा कहाँ हो? वहाँ पर। अरे वो हमेशा मेरे पीछे ही क्यों पड़ी रहती है यार? बाप रे आ गया। एक टिकट में इतने लोगों को फिल्म कैसे दिखाऊंगी मैं? आइडिया, दरवाजा बंद करती हूँ। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा है, रोशनी लाने वाला कोई नहीं है क्या? आप लोगों के लिए मैं रोशनी ही तो लाई हूँ। आइडिया, एकता में बल है, सबके सब एक साथ कूद पड़ते हैं। हमें तेरी जात का, वो हमारा गैंग रेप कर देगी रे। उसे सबक सिखाते हैं, चल। रेडी, 1 2 3। लाइट बंद करती हूँ। अरे बाप रे, अब क्या करेगी? लाइट ऑफ कर, मैं पकड़ गया तो मेरा काम तमाम। अरे कहाँ जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। अरे आओ ना, मेरी बिंदी जल्दी क्या है, आओ ना। छोड़ दो, अभी तो बहुत समय है। अरे कहाँ जा रहे हो? कैसे बचेंगे हम लोग? कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अरे बात सुनो, अंदर आओ ना, इतनी जल्दी भी क्या है बाहर जाने की, आ जाओ। अरे आओ ना, मुझे सोच मिल गया, ये खत्म नहीं होगा ऐसा लग रहा यार। तुम्हें तो दम ही नहीं है, मुझे मजा ही नहीं आया। लाइट बंद करो ना। नहीं यार, ये मुझे कच्चा निकल जाएगी। अरे सुपर सीनियर ऐसे क्यों खड़े हो? अरे मेरी पैंट छिछी, अंडरवियर भी उतार कर ले गई। चड्डी मेरे पास है। अरे मेरी माँ अंडरवियर दे दे, तेरे पैर पड़ता हूँ। मेरी बीवी अगर इसको पता चलेगा तो मेरी क्लास ले लेगी, मैं भागता हूँ। अरे शर्ट दे मेरी। इस शर्ट को लेकर ऐसा लगता है जैसे कि इस शर्ट के अंदर तुम ही हो राजा। कितना फनी था ये। जब से आई हो तब से देख रहा हूँ उस पर तुम कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही हो, अगर साहब को पता चला तो। भैया राव उसे पसंद है, राव भी बहुत अच्छा लड़का है। मैं जिसे पसंद करती हूँ आप उससे मेरी शादी करवा रहे हैं, किसी तरह से मामा को मना कर इसकी शादी भी उसे करवा दीजिए। आप और मामा जब मान जाएंगे तब वो इस बारे में राव को बता देगी, अब तक कुछ नहीं बताया है भैया। हमने मना कर दिया तो? मैं उसको पसंद करती हूँ, ये बात राव को पूरी जिंदगी नहीं बताऊंगी। हाँ बोलिए सर। फोटो भेज दी है मैंने, कितने पुलिस वालों को भेजेगा मुझे नहीं पता है। राव की पूरी कहानी और उसकी कुंडली चाहिए मुझे। ओके सर जरूर। भाई हमने जो भी हथियार छुपाए थे वो सबके सब खराब हो गए। लगता है शिवा को पता चल गया, अगर पकड़े गए तो जीते जी गला काट देगा वो हमारा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई। जी भाई। शिव मार देगा इस बात से डर रहे हो क्या? इसी डर से आपके अपने भी आपको छोड़कर चले गए, और अगर आपने बड़े साहब को मार दिया ना तो शिव आपको छोड़ेगा क्या चाचा? इस गांव के लोग आपको और आपके लोगों को जीने देंगे? वैसे भी सब खत्म होने के बाद आप क्या हासिल कर लोगे? जब तक जिंदा हो तब तक कहीं छिप कर जीने के अलावा, सच है कि नहीं? बोलिए ना चाचा। वैसे भी मरने और मारने से समस्या खत्म नहीं होती है कभी, जब हम बदलेंगे तब खत्म होता है। वैसे भी पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए मारने की जरूरत पड़ती है, इंसानों को इंसान बनकर जीतो इतना काफी है। टेंशन मत लो चाचा, शिव को वेपन्स ना मिले इसलिए छिपाने वाले हम ही हैं, उसको अब तक कुछ भी पता नहीं है।
अगर अब भी आपको लगता है कि आप ही सही हो तो आपकी मर्जी, मैं बीच में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। और अगर लगता है कि आप गलत हो तो आप बड़े साहब से माफी मांग लीजिए, उनको मारने की बजाय जो हासिल करना चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा, मुझ पर भरोसा करो चाचा। जाओ चाचा। बड़े साहब, मुझे माफ कर दीजिए। ना गब्बा, तुम बदल गए। अच्छा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ए विश्वा, वो जायदाद के कागजात लेकर आओ। जाओ जल्दी लाओ। इसी बदलाव का मैं इंतजार कर रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही। पापा, हाँ यार, चलो चलो चलो, सब लोग मजेदार था, था ना वो सच में। हाँ सच में मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। राव के पेरेंट्स के बारे में पता लगवाया, बहुत ही अच्छे लोग हैं वो। वो लोग तुम्हें पसंद करते हैं ये भी पता चला है। मुझे भी राव बहुत पसंद आया। ये शादी हो जाने के बाद साहब एक प्रोजेक्ट के चक्कर में दिल्ली जा रहे हैं, लौटने के बाद मैं उन्हें मना लूंगा। तुम्हारी शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू, ये थैंक यू सो मच भैया। बेटा, वर वधू के लिए वरमाला लेकर आओ बेटा। ठीक है पंडित जी। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाद साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी। अरे जीजा जी, फोन पर ज्यादा बात मत कीजिए, अभी अभी शादी हुई है, मैटर काम नहीं करेगा। हाँ? अरे हाँ? हाँ? अरे मैटर मतलब ब्रेन, ब्रेन, ब्रेन। सब अच्छे से हो रहा है ना? तुम्हें एक बात बताऊं? क्या है? अभी नहीं, बाद में बताती हूँ। भाई बम नहीं फटा। भाई बम नहीं फटा? बड़े साहब को दिल्ली के हवाई जहाज में बिठाकर लौटने तक ये बम किसने लगाया है मुझे पता चलना चाहिए। भैया
हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock उठना पड़ेगा। एक ब्यूटीफुल लेक के पास लेकर जाऊंगी। ओके ओके। अर्ली मॉर्निंग, रात को तो मुझे बहुत काम है। देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। मधु के दिल में जलसी बढ़ाने के लिए मैं तुमसे क्लोज हुआ था। आई एम सो सॉरी। हे मधु, कांग्रेट्स, शादी फिक्स हो गई ना? मेरी शादी? किसने बोला? तुम्हारे मामा ने कोई रिश्ता फिक्स किया है, तुम्हारे भैया ने बताया मुझे। ओह सॉरी, लगता है तुम्हें बताया नहीं। सॉरी सॉरी। अब तेरी मुस्कान गायब हो जाएगी बेटा। सच बात है, भैया ने मुझे भी बताया। तुम टेंशन लोगी इसलिए उन्होंने बताने से मना किया। कॉन्फ्रेंस कॉल करती हूँ, उनसे बात कर लो, ठीक है? बड़े साहब ने अगर एक बार फिक्स कर लिया तो वो फैसला बदल नहीं सकता है, तुम्हें पता है ना? फिर भी मैं ट्राई करूंगा। तुम टेंशन मत लो। हेलो मधु, टेंशन मत लेना तुम। क्या हुआ तुम्हें? वाओ, ब्यूटीफुल। इस गांव को, इन खेतों को देखकर तुम्हारे मामा जी को वाकई हाथ जोड़ने का मन करता है मेरा। उनकी तरह बनने की कोशिश करने वाले तुम्हारे भाइयों को, सबको, तुम्हें कल इन सबको छोड़कर जाना होगा, जाना ही पड़ेगा। मधु, बचपन से जो मैंने ठाना है वो मैंने हमेशा पूरा किया है। पापा से डांट नहीं खानी है इसलिए मैंने बचपन में ठान लिया था, हमेशा जीतता आ रहा हूँ। कॉलेज में टॉपर रहने की ख्वाहिश थी, वो पूरा किया। कैंपस इंटरव्यू में टॉप कंपनी में सेलेक्ट होने की इच्छा थी, वहां भी जीत गया। लगता था तुम ही मेरी जिंदगी हो, लेकिन यहां पर मैं हारा या जीता ये समझ में नहीं आ रहा। लाइफ में फर्स्ट टाइम तुमसे प्यार हुआ है, इतना कि टोटली कंप्लीटली मैडली। प्लीज अब बस भी करो, प्लीज। सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है क्या? इसमें जीत और हार क्या है? बात वो नहीं है मधु, मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। लाइफ में सब कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं होता, कई बार हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अगर ऐसा करेंगे तभी हम लाइफ में मूव करेंगे। तो मुझे अपनी लाइफ में बस पासिंग क्लाउड समझो, बस। कल यहाँ से जाते समय मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। बाय बाय फॉरएवर। Hey! अरे क्या हुआ? अरे मैं पागल हो रहा हूं यार। मधु जब बिना जवाब दिए चली गई थी तो कभी ना कभी हाँ बोलेगी इस बात की उम्मीद थी, लेकिन आज तो वो भी खत्म हो गई। It's gone. It's gone forever. अब मैं क्या करूं यार? कुछ तो बोलो ना भाई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मधु चाहिए, वो चाहिए बस। मामा जी के खिलाफ मैं नहीं जा सकती। I'm sorry. I'm sorry. I'm really sorry. यहाँ पर हथियार मिले हैं सर, मतलब उस दिन जो कुछ भी हुआ था
उसका बदला आप आज ले रहे हो ना हमसे? हमें क्या समझ रखा है, इतना कुछ होने के बाद हम चैन की नींद सोते रहेंगे क्या? जब डंडा पड़ेगा ना तो जो किया है सब बाहर आ जाएगा। पुलिस से पंगा लेता है बदमाश कहीं का, चल थाने में चल, सारी सच्चाई खुद ब खुद निकलेगा। अपना काम हो गया भाई। भाई सुबह से बड़े साहब को फोन लगा रहा हूँ लेकिन उनका फोन लग नहीं रहा है, इसलिए मैंने पुलिस को फोन किया। आखिर क्या हुआ है? तालाब के पास गया था, मधु मेम साहब वहाँ पर नहीं मिली। क्या 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 बात कर रहा है तू? राव ने मधु मेम साहब के साथ कुछ गलत किया इसीलिए पुलिस वाले ले गए उसे। राव को? बड़े साहब की भांजी को कोई ले गया? उठा ले गया, कौन ले गया? इससे पहले जब मैं रूम में आया था तो फोन यहीं पर गिर गया था भाई। ये गोली तेरे भेजे में उतारने में सिर्फ एक सेकंड लगेगा। मैं तुझे न मारूं इसलिए भगवान से प्रार्थना कर, दोबारा फोन करने की कोशिश मत करना, मैं तो जान से मार दूंगा। चल। ए कमीने, तू कौन है मुझे नहीं पता, कैसा दिखता है नहीं पता, तो इस वक्त कहाँ ये भी नहीं पता, लेकिन मैं मधु को पागलपन की हद तक प्यार करता हूँ। आऊंगा, तेरे सामने आऊंगा, और तेरे सामने आने के एक सेकंड बाद कमीने बचेगा सिर्फ एक ही इंसान, वो तू हो सकता है या फिर मैं हो सकता हूँ। आ जा, देखता हूँ। कहाँ जा रहा है तू? यार वो लोग तुझे मारना चाहते हैं, अगर तेरा ऑपरेशन नहीं हुआ तो तू अंधा हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। ए, मधु को किसी तरह बचाना ही होगा। उसे बचाने के लिए तुझे जिंदा रहना होगा। भले ही मैं अंधा ही क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मधु को बचा कर ही रहूंगा। तू जिससे प्यार नहीं करता रिस्क क्यों ले रहा है इतना? मैं उससे प्यार करता हूं यार, वो मुझसे प्यार करती है या नहीं ये उसकी मर्जी है, लेकिन अगर उसे मैं इस वक्त खतरे में छोड़कर पीठ दिखाकर भाग गया तो इसका दुख मुझे जिंदगी भर मेरे दिल में सुई की तरह चुभता रहेगा। अभी मैं अपने लिए तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता हूं, तुम लोग चले जाओ। अच्छा सुन, हम भी तेरे दोस्त हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तू अकेले नहीं जाएगा, चल। ए, मधु और बाकी के लोग जिस लेक में लापता हुए वहां चलते हैं, शायद कोई क्लू मिल जाए। अरे ये सब क्या है बेटा, इतनी चोट कैसे लगी? जब फोन पर पता चला मेरी जान ही निकल गई, तेरे पापा को बिना बताए यहाँ चली आई मैं। मैंने कोई गलती नहीं की माँ। मैं माँ हूँ तो मान जाऊंगी, पर आसपास के लोग मानेंगे क्या? अच्छा दूसरों को छोड़, तुझे लगता है तेरे पापा मान जाएंगे? उन्हें तो बस तेरे गलती करने का इंतजार रहता है, उन्हें ये पता चलेगा तो वो चुप रहेंगे, तुझे घर के अंदर नहीं आने देंगे। अच्छा पापा को किसी भी हालत में इस बारे में पता मत लगने देना। क्या? पूरी लाइफ आपको डांटने का मौका नहीं देना ये सोचा था मैंने। अब डांटिए पापा। पेरेंट्स अपने बच्चे को डांटते हैं, वो उसे दुख देने के लिए नहीं, ताकि उसे भविष्य में कभी दुख ना हो।
मैं हमेशा चाहता था कि तुम्हें जिंदगी भर मेरी डांट ना सुननी पड़े, पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं जानता हूं ये। जाओ। राज, यहाँ टायर के निशान है, लगता है मधु को इसी रास्ते ले गए होंगे। हे, मधु का फोन मिल गया, लगता है चार्जिंग खत्म हो गई है। पावर बैंक दे। चार्जिंग खत्म मतलब गैलरी में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। देख। ए, हमने बुलाया तब आए नहीं, लगता है अभी हमें डराने के लिए आ रहे हो। साइलेंट रहो, देखो। मुझे गाड़ी से टक्कर मारने वाला यही है। अरे इसको मैंने कहीं और भी देखा है। कहाँ देखा होगा? ए, शादी में किसी से बात करते हुए देखा। अगर ये बात मैं बड़े साहब को बताऊंगा तो मधु को ढूंढने में आसानी होगी। अच्छा, एंगेज आ रहा है यार, तो जल्दी से शिव को फोन करो ना। मधु, पुलिस आ गई, भागो। रुक, चलो, रुक जाओ। वो पुलिस वाला तुझे मारना क्यों चाहता है? वो मुझे क्यों मारना चाहता है ये जानने से ज्यादा मधु को बचाना बहुत जरूरी है मेरे लिए। चलो चल, चल। थोड़ा सा मिस हो गया लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ए, मधु ने जिस फोन से फोन किया था मैं उस पर ट्राई करता हूँ। तुम जाकर बाइक लेकर आ जाओ। हाँ ठीक है, चल चल। यहाँ इतना सब कुछ हो गया, मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने सोचा था कि आपके लौटने तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ये काबिलियत दिखाने का समय नहीं है। मधु का कुछ हो गया तो? बड़े साहब, अभी अभी मधु का फोन आया था, उठाने से पहले कट गया, उसे कुछ नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए। सर, सारे चेक पोस्ट को अलर्ट कर दिया है, मोबाइल सिग्नल्स को भी ट्रैक कर रहे हैं। अगर राव मिल गया तो मधु भी मिल जाएगी। उस राव का इससे कोई संबंध नहीं है। हाँ बड़े साहब, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आपके लौट के आने पे मैं आपको बताने वाला था लेकिन तब तक जितने आदमी चाहो लेकर जाओ, लेकिन कल सुबह तक मधु घर पर होने चाहिए। सेम टायर का निशान, गाड़ी इसी तरफ गई है। इस तरफ सब क्लियर है सर। ए, वो लोग मोटरसाइकिल से उस तरफ भाग रहे हैं, पकड़ो उन्हें। भाई, राव और उसके साथी रेड्डी पालम की तरफ जा रहे हैं, अगर पकड़े गए तो क्या करना है? बड़े साहब के पास लेके आओ। फोन, फोन।
भैया मेरी है, मैं नहीं दूंगा। प्लीज भैया, वो फोन, फोन ये वाला क्या? वो नहीं, ये नहीं चाहिए। अरे अरे फोन, ये भी नहीं चाहिए क्या? वही भैया, प्लीज दोनों बगली कहीं की, ये चाहिए क्या? प्लीज प्लीज जल्दी दीजिए, इसके क्या करेगी? टायर का निशान यहाँ से खत्म हो गया यार, अब क्या करें हम? गाड़ी पक्का राइट साइड में गई होगी। श्योर है? श्योर, 100%। टायर का निशान देखकर पता चलता है गाड़ी पक्का राइट साइड में गई होगी। वैसे कितनी दूर और कहां तक जाएगी वो? साहब, उस राव का एनकाउंटर करने के बाद ही मिलूंगा साहब। हेलो हेलो, हाँ मधु, अगस्त, मधु कहाँ हो? मधु तुम? कुछ पता नहीं चल रहा, मुझे बहुत मार रहे हैं। फोन आएगा तो मुझे मार देने की धमकी दे रहे हैं अगस्त। तुम्हें कुछ नहीं होगा मधु, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं आ रहा हूँ। मधु पहले क्या हुआ बताओ। अर्ली मॉर्निंग लेक के पास जाने के बाद वहाँ के विजुअल रिकॉर्ड करते समय पीछे से कोई साउंड सुनाई दिया, हमें लगा कि तुम लोग हो। अचानक किसी ने रुमाल से मुंह ढक दिया, मैं बेहोश होकर गिर गई। अभी तुम कहाँ हो? छोटा सा क्लू दे सकती हो? मुझे गाड़ी में लेकर जाने वाले कुछ देर के बाद गाड़ी के साउंड सुनाई दिया, व्हीकल की साउंड थी, रोड पर आ गया था शायद। कोई आ रहा है। हाँ जल्दी बताओ ना, डोर खोल रहा है। ए, फोन दे, किससे बात कर रही है तू? कौन है? कौन है तू? हाफ एन आवर के बाद आधा बनाकर छोड़ दिया गया बिल्डिंग में। क्या हुआ यार? जिसे शूट किया वो मधु नहीं है? मधु 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 को कुछ नहीं हुआ। मधु को क्या हुआ? मैंने कहा ना मधु को कुछ नहीं हुआ है। मधु को कुछ नहीं हुआ है। चलो 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 चलो। Hey, वो बाइक वाले लड़के किधर गए? रेड्डी पालम की तरफ सर। हेलो कंट्रोल रूम, वो राव का बैच रेड्डी पालम की तरफ गया है, सारे चेक पोस्ट को अलर्ट कर दो। बोरेडप्पा और सैंडल कहाँ है पता लगाओ, उन दोनों पर डाउट है मुझे। उसी काम में लगा हूँ बड़े साहब, उस वक्त वो आपको मारना चाहता था, अब वो मधु को उठा के ले गया और राव को फंसा दिया है। हमारे आसपास ही कोई है जो हमें धोखा दे रहा है। जब तक मैं लौट के ना आऊं किसी पे भरोसा मत करना आप। मुझे कुछ नहीं होगा, तू बस अपना ख्याल रख। इस समय तू कहाँ है? राव रेड्डी पालम की ओर गया है, ऐसी खबर मिली है। मधु के बारे में उसे कुछ पता चला है मुझे ऐसा डाउट है। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ बड़े साहब, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। एक काम नहीं होता तेरे से, बेकार का आदमी। ने किसी से बात की थी ना? किससे बात की थी? बताओ किससे की थी बात? जल्दी बताओ। अगस्त। अगस्त? ये अगस्त कौन है? ए, इसी ने तुम्हें फोन दिया था ना? इसी ने दिया था ना? इसी ने दिया था ना? अगर दोबारा किसी से फोन पर बात की तो इसी तरह से मरेगी तू। एक बात याद रख ले, अगर दोबारा फोन किया इसी तरह से मार दूंगा, याद रखना। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ये बताए बिना लगता है मर जाऊंगी। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, कैसे बताऊँ? Hey, आज अब किस तरफ जाना है?
अरे जब मैंने मधु से फोन पे बात की थी तो दूर से कुछ साउंड सुनाई दिया था। कैसा साउंड था वो? कैसा साउंड था? अजान, मस्जिद। हे, मधु को जहां छिपाया वहां पर पास में मस्जिद है। यस। भैया तीनों रूट में मस्जिद है। कितने डिस्टेंस में है? तंगेर पैली रूट में 18 किलोमीटर, रेड्डी पालम रूट में 22 किलोमीटर। ओके, आधे घंटे में 42 किलोमीटर नहीं जा सकते, 18 किलोमीटर के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा। अब बाकी बचा सिर्फ रेड्डी पालम, 22 किलोमीटर है। चलो। अब क्या हो गया? शिट, अभी याद आया, शादी में बिना फिंगर के आदमी से बात करने वाला संदीप, मधु को उठाने वाला और फोन पर बात करने वाला तमिल है। मतलब सब सैंडल ने किया है? हे भगवान। भाई, राज उसी तरफ आ रहा है, हम उसे ऐसा स्ट्रोक देंगे कि उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा, तो उसे मार देना। ठीक है भाई। अरे मस्जिद में लाउडस्पीकर है यार। तो इसके आसपास आधी बनाकर छोड़ दी गई बिल्डिंग होनी चाहिए। हाँ। अरे इतनी सारी बिल्डिंग्स में कौन सी होगी यार? जाकर देखते हैं। चलो। हाँ तो उस तरफ ढूंढ ले। हाँ 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 ठीक है। आजा, आजा। मधु, मधु, मधु। अरे मधु यहाँ भी नहीं है। चल दूसरी जगह ढूंढते हैं। मधु, मधु, मधु। अरे रे, क्या हुआ? अरे यार, उठ 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 जा, उठ जा, उठ जा। अच्छा अच्छा मधु, मधु, मधु। मुझे कुछ नहीं हुआ। तू तू ठीक है ना? उठ जा, उठ उठ। नहीं नहीं तुझसे नहीं हो रहा। तू जा, तू जा।
मैंने बोला तू जा, तू जा, उठा कर ले चलता हूं। जा 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 ना। तू है ये सब करके तू यहाँ क्यों आया है? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बस राज से गुस्सा था इसीलिए उसके अरेस्ट होने पर खुश हुआ। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हमारा झगड़ा सिर्फ कॉलेज तक था, बाहर आने के बाद तो हम फ्रेंड्स हैं। तभी से मैं तुम लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तूने नहीं किया तो ये सब फिर किसने किया है? अबे भाग भाग के कितनी दूर तक जाएगा? मधु और राज कहाँ हैं? वो मेरे दोस्त हैं। मैं नहीं बताऊंगा। ए, तेरे बड़े साहब को मेरे लोग और तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ तड़पा तड़पा के मारूंगा। बताएगा या मरेगा? नहीं बताऊंगा। बॉम्ब रखने के बाद जब पकड़ा गया था उसी दिन तुझे मार देना चाहिए था। कभी ना कभी काम आएगा सोचकर मैंने तुझे छोड़ दिया था। अब मेरा वो काम हो गया, अब ऊपर जा। राव और मधु किस तरफ गए? इस तरफ गए हैं भाई। ए भाई, राव और मधु को मार दे। ठीक है भाई। भाई उसे मत मारना। ये सब करने वाला शिव है क्या? हमारा शिव? हाँ साहब। ये सब ने मिल के किया था? हाँ। राव और मधु को मौत के मुंह में धकेलने वाला शिव ही है। भैया फोन पिक करो भैया। Huh?
बोल मुझे क्यों मारा? मधु ने कहा वो तुझसे शादी करेगी और मैं उसके लिए मान भी गया। मैंने सोचा बड़े साहब को भी मना लूंगा, लेकिन फिर भी तूने मुझसे पंगा लिया। मैंने क्या किया? सब उस राव ने किया है। जब वो हमारे खिलाफ हुआ तभी मार देना था, पर तुम्हारी भांजी की वजह से हम खामोश थे। वो उसे पसंद करती है ऐसा उसने सिर्फ शिव को बताया था। अगर उसको ऐसा कुछ होता तो सीधा शिव पर शक जाता। उसके ऊपर शक नहीं होना चाहिए, न खून का धब्बा उसके हाथ लगना चाहिए। उसको मौत के घाट उतारने वाला और आप पर हमला करने वाला आदमी मिल गया है। मधु को उठाकर ले जाने के लिए कहने वाले हम लोग ही हैं। वो इल्जाम राव पर लगाकर उसको पुलिस से अरेस्ट करवाने वाले भी हम ही हैं। उसको पुलिस से और हमारे लोगों से मरवाने की कोशिश करने वाले हम लोग ही हैं। तुझे मारने के बाद उसको मैंने ही बचाया है, ऐसा उस बुड्ढे को भरोसा दिलाऊंगा। लेकिन जिंदा बचकर तूने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। आज यहाँ तेरी मौत का जिम्मेदार वो रेड्डी है, ऐसा उस बुड्ढे को यकीन दिलाऊंगा मैं। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है ये बताकर मार दे। क्या किया है? क्या किया है? तेरी सीख के वजह से वो नागा रेड्डी बदल गया। उसके बाद तुझे पता है क्या हुआ? इतना कुछ करने के बाद भी मैं नाग रेड्डी को नहीं बदल पाया विश्वा, पर वो काम राज ने करके दिखा दिया। उसको यही नहीं विश्वा, जब मैं मधु से मिलने वायजा गया था तब वहां देखा था। हमारे जंगम पैली में भी उसको देखा था। उस राव में कोई तो जादू है, मुझे वो बहुत पसंद आया। मधु और राव एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं विश्वा, उन दोनों की शादी करवा देते हैं। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके बाद उस बुड्ढे ने जो बोला वो सुनकर मेरा खून खौल उठा। शादी होने के बाद राज को गांव में रहने के लिए मना लूंगा। मेरे बाद राज ही इन गांव वालों की उम्मीद होगा। तो फिर हमारे शिव का क्या होगा बड़े साहब? जनता की सेवा करने वालों का खून गर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको दिमाग से काम लेना चाहिए। वो उसके पास नहीं है, राजनीति में वो काम नहीं आएगा। इसीलिए मेरी जायदाद शिव को और मेरी जगह राज को। अगर उस बुड्ढे की जगह तूने ले ली तो मैं कहां जाऊंगा? बचपन से लेके आज तक मैंने जिस पॉलिटिकल पावर की ख्वाहिश की है उसका क्या होगा? दो कौड़ी की जायदाद किसे चाहिए यहाँ पे? MLA या फिर MP बन जाऊंगा तो इससे 100 गुना ज्यादा कमाऊंगा। जरूरत पूरी होने के बाद उस बुड्ढे को भी काट डालूंगा। पावर में जो मजा आता है उसके लिए माँ क्या, बाप क्या, बहन क्या और भाई क्या, और उस पावर को पाने के लिए बीच में जो भी आएगा मैं उसे मार डालूंगा। गांव की भलाई में मैंने कोई आंच नहीं आने दी, पर मेरी परवरिश में आंच आ गई वो मैं देख रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं दुखी नहीं हो सकता। भाई तू जाके उसे निपटा दे, मैं इसे निपटाता हूँ। ठीक है भाई। अब तक मैं तेरी मार सहता रहा क्योंकि तू मधु का भाई है, सिर्फ उसे एक रिस्पेक्ट की वजह से। अगर भाई को मारने की कोशिश करेगा तो कोई भाई कोई रिश्तेदार नहीं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे भैया को क्यों मार रहे हो? छोड़ो 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 छोड़ो। ये सब करने वाला मैं ही हूं। भैया मुझे यकीन नहीं हो रहा भैया, ये मेरे भैया ने किया। भाग में क्या तेरा सेंटीमेंट, मेरे सामने से दूर हो जा, मैंने कहा ना। तू मधु का भाई है इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं तेरा। बस 2 मिनट के लिए सोच,
यहां जो हुआ किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं। जानवरों की तरह नहीं, इंसानों की तरह सोच, सुधर जा। मधु, ऑगस्ट, मधु, 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 तुम आ गई ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने बचा लिया तुम्हें, तुम्हें कुछ नहीं होगा अभी मधु, हे मधु। ऑगस्ट, तुम एक बात बताओ। मैं अभी कुछ नहीं सुनूंगा, पहले चलो अस्पताल चलते। मैं तेरे बीच में आ रहा हूँ ना, मुझे मार दे, लेकिन मधु को छोड़ दे, प्लीज मुझे मार दे। तुमने अगर शिव को नहीं मारा होता तो वो इन दोनों को जरूर मार देता। तुमने बहुत अच्छा काम किया एसपी। मुझे एक बात बहुत पसंद आई है, मेरे लिए उसने अपने प्यार को त्याग दिया, बहुत तकलीफ सही, और मधु को मेरी बहू बनाकर लेकर आया। अरे बेटा हो तो ऐसा हो। पापा ये ना थोड़ा ज्यादा हो गया, भैया ने जिससे प्यार किया, जिससे शादी की, वो मधु ही है। सुनो, ब्रह्मे जी ने का हक सबको है और तुमको भी। कबड्डी 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 कबड्डी। बाप रे, वन सेकंड। फोन पर अगर ज्यादा बात करोगे तो मैटर काम नहीं करेगा, पता है ना तुम्हें, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे हर्ट होगा। असल में मैटर क्या होता है तुमको पता है, आओ बताता हूँ। सॉरी बोला ना, अरे सॉरी बोला ना मैंने, अरे रुको रुको, अच्छा नहीं लगेगा यार, पापा देख रहे हैं, अरे अरे रुको रुको, अभी बताती हूँ, रुकने के लिए कह रहा हूँ ना, रुक जाओ, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी।